الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. अल्लाम वरमि वबरकू क्या हाल है सबका कल के जुज्मे से आपको क्या अहम बातें लगी माइक पहले से हाथ में रखा करेंकम मतलब। बात को सही रुख में समझना वरना गलत पह, फहमी पैदा हो जाती है खूब सोच समझ के दिली दोस्त बनाना चाहिए अल्लाह की झूठी खत्म करना कबीरा गुना है और गैर अल्लाह की सच्ची ख़त्म करना शिरक है मशवरे के बग़ैर कोई दावत मौसर नहीं हो सकती रहमान के बंदे सजदा करते हुए कुरान की आयत को सुनकर रोते हुए सजदे में गिर पड़ते हैं। अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना शराफ़ है इबादुर रहमान चाहिल से नहीं उलझते हैं। तनहाई में बुरे अमाल करने वालों के तमाम नेक अमाल जाया हो जाएंगे तमाम पैगम्बरों का एक ही पैगाम होता है कि हमारा अजर अल्लाह के जिम्मे है सो हमें भी यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा अजर अल्लाह के ज़िम्मे है जुल्म घरों को तबाह कर देता है इंसान का सबसे बड़ा फर्ज कुरान से ताल्लुक़ क़ायन करना है मुस्कुरा भी सदका है कुरान को छोड़ना मतलब कुरान का इलम हासिल ना करना इबादरमान बंदों की इबाद्रहमान के बंदों की सिफात यह है कि वह एराज और बहस नहीं करते बल्कि बदसलूकी का जवाब ही मुस्करा कर देते हैं जी ये पहले का है किसी छोटी से छोटी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए क्या मत के दिन वो हमारी निजात का ज़रिया बन सकता है इबादर रहमान वैसी महफिल या वैसी जगह नहीं जाते हैं जहाँ अल्लाह की नाफरमानी या बातिल काम हो रहा हो तो उसकी हिम्मत हमें होनी चाहिए अच्छे से कहें खबर की तस्दीक करना चाहिए सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए इसतवाल अल्लाह की रहमत को खींच लाता है दुनिया में कोई भी अथॉरिटी वाला बंदे से हमारा मामला हो तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की अथॉरिटी उस पर भी काम करती बेहतरीन लीडर है वो बहुत सी खूबियों में जो अपने जूनियर से मुशावरत से काम लेता है जो कहता है कि टाइम नहीं है वो जरूर जायजा ले कि उसका टाइम कहाँ गया नबी करीम वसल्लम ने चार जानवरों को मारने से मना फरमाया है चूंटी शहद की मक्खी और हदहद और लटोर किसी की भी एडवाइस को छोटा नहीं समझना चाहिए अगर कोई बच्चे भी अगर एडवाइस दें अगर वो हक पे हों तो उसको बिला झिझक और मान लेना चाहिए दूसरों की फिक्र करना जिंदा कौमों की अलामत होती है और ऐसा करने वाले तरक्की करते हैं और इज्जत पाते हैं ठीक है माशा बहुत अच्छी तरह सुनते हैं आप और बहुत अच्छी तरह समझते हैं अल्लाह ताला इन बातों को हमारे अमल में भी ले है इसकी आवाज़ कम है आवाज़ ऊँची करें। जी शुरू करते हैं नहमदनसली रसूलहल करीम अम्माबाद فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله علم والهم وبصر وفهم وهدى للتي هي اقوم والشكر له على ما اجزل وانعم تمام قسمك تعريف الله كليه جسن تعليم دي और इल्हाम फरमाया बसीरत दी और फहम दिया और उस रास्ते की तरफ हिदायत दी जो सबसे ज़्यादा सीधा है और अल्लाह ही के लिए शुक्र है जो उसने बहुत भारी अतिया और इनाम फरमाया बीसवा पारा أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۖ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي إله مع الله بل هم قوم يعدلون भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा फिर हमने उससे रौनक वाले बाग़ात उगाए तुम्हारे बस में न था कि तुम इनके दरख्त उगा सकते क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है बल्कि ये लोग औरों को उसके बराबर करार दे रहे हैं इस सवाल और इसके बाद के सवालत में सिर्फ़ मशरकिन ही के शर्क को बातिल करार नहीं दिया गया बल्कि दहरीयों के दहरियत, यानी जो एथिस्ट्स हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं उनकी दहरियत का भी इब्ताल है मसलन इससे पहले सवाल पूछा गया यानी इसी में सबसे पहले सवाल पूछा गया कि यह बारिश बरसाने वाला कौन है तो कोई बताए क्या ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है आज सुबह सुबह स्नो पड़ने लग गई और अच्छी खासी पड़ी और फिर थोड़ी देर के बाद धूप निकल आई और फिर अब थोड़ी देर में दोबारा स्नो पड़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि ये सब किसके किसकेख्तियार में है ये सब कौन कर रहा है अगर हमारे बस में हो तो हम उसके कुछ और ही अवत मुकर करें अपनी मर्ज़ी से और अगर ये इख्तियार बंदों को दे दिया जाता तो फिर आप दुनिया का निज़ाम देखते कि क्या होता तो ये सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है अल्लाह के इख्तियार में है और इसी तरह हर तरह की नबाता उगाने वाला कौन है वो भी अल्लाह ही है हर चीज़ को उसके तनासुब से हर जगह रखने वाला अल्लाह ही है ज़मीन पर ज़मीन को पौधे उगाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो सब किस मुनासबत से किस मक़दार में होनी चाहिए किस किस तरी क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए कि मुख्तलिफ़ किस्म की नबात उग सकें ये सब फ़ैसला करना अल्लाह ही का काम है और उसी ने ये सब कुछ इस ज़मीन के अंदर रखा तो इस ज़मीनी निज़ाम और आसमानी निज़ाम के पीछे एक हमत वाले रब की मनसूबा बंदी और प्लानिंग है और वो गालिबरत वाला है तो याद रखिए कि बहुत से लोग अल्लाह को तो मान लेते हैं लेकिन इसके बावजूद या शिरक करते हैं या फिर उसके अहकाम को नहीं मानते यानी अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की बात को नहीं मानते भला वो कौन है जिसने जमीन को जाय करार बनाया और उसके दरमियान नहरें जारी कें और उसमें पहाड़ रख दिए और दो समुन्द्रों के दरमियान एक आड़ बना दी क्या के साथ कोई और मबूद है बल्कि इनके अक्सर इल्म नहीं रखते तो बात यह है कि ज़मीन को ठहरने की रहने की जगह भी अल्लाह ही ने बनाया वरना हम सब जानते हैं कि ज़मीन किसी चीज़ पर टिकी हुई नहीं है मुसलसल हरकत कर रही है और दोहरी हरकत कर रही है और अगर अल्लाह सुबहान तै इसको इस काबिल ना बनाता तो हम यहाँ पर रह ना सकते और ज़मीन पर बड़े बड़े पहाड़ बनाने का मकसद भी यही है कि ज़मीन को हरकत करे और डोलने से रोकना तो ये सब कुछ अल्लाह ही करता है जब खालिक वो है मालिक वो है तो माबूद भी उसी को होना चाहिए अमई युजीबुल मुस्तर इजादा आकशपसू भला वो कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है और तकलीफ़ को दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन का जानशीन बनाता है क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है बहुत कम तुम नसीहत हासिल करते हो तो अल्ला सुबहान सिर्फ ये कि खालिक मालिक मुदब्बिर और माबूद है बल्कि वो मुश्किल कुशा भी है हाजत रवा भी है वही मसायब और तकलीफ़ों को दूर करता है वही है जिसे सख्ती और तकलीफ़ के वक्त पुकारा जाता है मुसीबतों के वक्त उसी से उम्मीदें वस्ता की जाती हैं उसी की तरफ रजू किया जाता है और वही हर तरह की तकलीफ़ को दूर करता है तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस बात की भी ज़मानत दी है और अपने बारे में ये ख़बर दी है कि अगर कोई भी लाचार उसे पुकारता है तो वह उसकी पुकार को सुनता है और कबूल भी कर लेता है यानी जब इखलास के साथ इंसान उसकी तरफ पनाह लेता है तो वह पनाह देता है और ये ये इखलास चाहे मोमिन की तरफ से हो या काफिर की तरफ से हो किसी फरमा बरदार इंसान की तरफ़ से हो या नाफ़रमान इंसान की तरफ से लेकिन जब वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह ही से मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ को दूर करता है अल्लाह ताला मज़लूम काफिर की भी दुआ सुनता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज़लूम अगर चे काफिर हो उसकी बद दुआ से बचो क्योंकि उसके सामने कोई पर्दा हायल नहीं होता फी जुलुमातिल बर्र वल बहर भला वो कौन है जो तुम्हें तो खुशकी और समुंदर के अंधेरों में राह दिखाता है और कौन अपनी रहमत से पहले पहले हवाओं को बतौर खुशखबरी भेजता है क्या अल्लाह के साथ कोई और महबूद है बहुत बुलंद है अल्लाह उससे जो ये शरीक ठहरा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि रास्तों की निशानदही के इस्बा भी, भी अल्लाह ही ने फम किए हैं यानि ज़मीन पर पहाड़ों और वादियों के अंदर और इसी तरह रात की तारीखियों में और फिर बारिश से पहले हवा चलने में खुशखबरी भी वही पैदा करता है भला वो कौन है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर उसका अरादा भी करेगा और कौन तुम्हें तो आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है क्या अल्लाह के साथ कोई और महबूद है कह दीजिए अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह सुबहान सिर्फ ये कि इस दुनिया में सब काम कर रहा है बल्कि मरने के बाद दोबारा पैदा भी करेगा और इस जिंदगी पर वो हमें रिस्क भी दे रहा है और इन तमाम हकीतों, हकीकतों को जब इंसान जान लेता है तो फिर उससे मान लेना चाहिए कि वही अल्लाह इबादत के लायक भी है और उसी के आगे मुझे झुकना है उसी का फर्मा बरदार बनना है व नह नहू व नहनू मुखल व नहनू मुस्लिम व नह नहू आबिदून तो सच्चे दिल से अल्लाह को एक इलाह मानने का फ़ायदा यह है कि जब इंसान लाला ख़ालिस दिल से कहता है तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुँच जाता है जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचता रहे और इंसान की मौत के वक्त भी यही कलमा आ, उसकी निजात का बायस बनेगा कह दीजिए अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई भी गैब को नहीं जानता और वह तो ये शूर भी नहीं रखते कि मरने के बाद वो कब उठाए जाएँगे ग़ैब से मुरा वो चीज़ें हैं जो हवा से खमसा से मालूम नहीं की जा सकती ये हमारी फाइव सेंसेस जो हैं ये पता नहीं लगा सकती उनका और हमारी अकल भी उसका इदराक नहीं कर सकती तो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत कब शुरू की जाती है जब अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा या हाजत रवा समझ लिया जाता है इस बिना पर कि वो आलमिल्गैब है वो गैब को जानता है अगर मेरा ये अक़ीदा हो कि मेरे तमाम हालात सिर्फ़ मेरे रब को पता है किसी और को नहीं पता तो फिर वो तो मैं फिर किसको पुकारूंगी यानी अगर मेरे दिल का हाल अल्लाह को पता है और सिर्फ़ उसको पता है तो फिर मेरी दुआ भी किससे होगी अल्लाह से और अगर मैं कहूँ कि फलां बुज़ुर्ग भी दिल का हाल जानते हैं और फलां को भी मेरी मुश्किलात का पता है तो फिर मैं किसकी तरफ़ रुजू करूँगी अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो यह इंसान की नफ्सियात में है कि जिसके जिस पर वो अहतम करता है और जिसके बारे में वो ये अकीदा रखता है कि वो उसकी छुपे हुए हालात को भी जानता है फिर वो उसी को अपना मौला समझ लेता है उसी को मुश्किल कुशा समझ लेता है तो याद रखिए अल्लाह अपनी जात में भी अकेला है और ग़ैब के इल्म में भी अकेला है उसके सिवा गैब कोई नहीं जानता नबियों और रसूलों को बस इतना इल्म होता है जितना अल्लाह ताला उन्हें बता देता है और जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब समझे वो दरअसल अल्लाह ताला पर बहुतान बांधता है हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि जो शख्स ये गुमान रखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा कल पेश आने वाले हालात का इल्म रखते हैं उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बहुतान बांधा इसलिए कि वो तो फरमा रहा है कि आसमान में गैब सिर्फ़ अल्लाह को है अल्लाह सुबह अगर गैब का कुछ इल्म वही के जरिए अपने पैगम्बरों को दे देते हैं तो उससे वो आलिमुल गैब नहीं बन जाते बलिदार का इम फिल आखिरा बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म गुम हो चुका है यानी इनको आखिरत का सही पता नहीं बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है बल्कि ये उससे अंधे हैं और जिन लोगों ने कुफ्र किया कहने लगे क्या जब हम और हमारे आबाओ अजदाद मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम वाकई कब्रों से ज़रूर निकाले जाएंगे यकीनन इससे पहले भी हमसे और हमारे आबाओ अजदाद से ये वादा किया गया मगर ये तो महज पहले लोगों की कहानियाँ ही हैं मगर ये तो महज पहले लोगों की कहानियाँ हैं क्यों ये कहते थे कि हाँ जो लोग मर गए अभी तक तो वापस दोबारा नहीं उठे तो ये ऐसे ही बात कर दी जाती है कि दोबारा उठेंगे जी कर और ये उनकी ग़लत फ़हमी थी अल्लाह ताला ने ये तो नहीं फरमाया था कि वो चंद सालों के बाद दुनिया में ही दोबारा उठ जाएंगे कुलसीु फिल और كيف कई फकाना المجرمين कह दीजिए ज़मीन में चलो फिरो फिर देखो मुजरमों का अनजाम कैसा हुआ यानि पिछली कौमों पर अजाब आना अम्बिया की सदाकत की दलील है लिहाजा इस इस दलील से इस बात को पकड़ो कि अगर अल्लाह ताला ने दुनिया में भी कुछ कामों को सज़ा दी है तो उसने आख़रत में भी सज़ा देने का एक वक्त मुक्र कर रखा है और ये रसूल अगर पिछली कामों के बारे में जो ख़बरें देते हैं वो सच्ची हैं तो मुस्तबिल के बारे में भी जो ख़बर ये दे रहे हैं आख़रत के बारे में वो भी बिल्कुल सच्ची है और ये कहते हैं कि यह वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो कह दीजिए हो सकता है कि वो अजाब जिसको तुम जल्दी मांगते हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे पीछे ही आ लगा हो इससे मुराद जंग बदर का वो अजाब है जो कत्ल और असीरी की शक्ल में काफरों को पहुंचा या इससे मुराद अजाब कब्र है अजाब कब्र जिसके हिस्से में आना है बस उसकी मौत की उसकी मौत का ही इंतजार है जो ही वो शख्स मर जाएगा बस उसका मुहासबा शुरू हो जाएगा और बेशक आपका रब लोगों पर फजल फरमाने वाला है लेकिन इनके अक्सर शुक्र अदा नहीं करते यानी जितनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं उसके मुकाबले में इनका शुक्र बहुत ही कम है और यकीनन आपका रब खूब जानता है जो इनके सीने छुपाते हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं यानी इनके दिलों की बातें भी अल्लाह को पता हैं और आसमान और ज़मीन में कोई पोशीदा चीज़ ऐसी नहीं जो एक वाज़ किताब में दर्ज न हो। इन्हादल होना बनी इसराइल बेशक ये क़ुरान बनी इसराइल पर अक्सर वो बातें बयान करता है जिन में ये इख्तलाफ़ करते हैं पहले किताब के अंदर भी बाहम बहुत से अख्तलाफ़ थे अक़ीदे केबार से और फ़िरकवारीत भी बहुत थी वह मुख्तलिफ़ गोहों और फ़िरकों में बट गए थे अक़ायद भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ थे मसला यहूद हज़रत ईसी सलाम की तोहन करते थे उनको वल्दुलजना कहते और ईसाई उनकी शान में इतनी गलू कर देते कि उनको अल्लाह का बेटा करार दे देते तो क़ुरान मजीद ने इनके हवाले से ऐसी बातें बयान कि जिनसे असल हक वाजी हो जाता है मसा ईसी सलाम ही के बारे में पीछा पड़ चुके हैं कि ये हक हक बात है जो ईसीाम के बारे में कही जा रही है तो कुरान ने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह वाज़ कर दिया है तो अगर वो कर्न के बयान करदा हक़ को मान लें तो उनके इख्त भी दूर हो जाए और हकीकत यह है कि मुसलमानों के अंदर भी इख्तिलाफ़ कुछ कम नहीं और फिर का वारियत बहुत ज़्यादा है हती कि एक दूसरे की मस्जिद जाने से रोक दिया जाता है एक दूसरे से रिश्तेदारी कायम करने से और दीगर बहुत से मसाइल हैं तो इन मसाइल का हल भी क़ुरान की सच्चे दिल से इतवा में है अगर लोग कुरान मजीद का माना सही तौर पर समझ जाएं तो इख्तलाफ़ात और फिर वारीत से बच जाएं व अनहू लदम व रहमतम और बेशक ये क़ुरान ईमान वालों के लिए यकीनन हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए इस किताब में हिदायत है और ये बायस रहमत है दुनिया में भी बायस रहमत और आखिरत में भी बायस रहमत तो जिस चीज से हमें हिदायत मिलती हो फिर उसके साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए और जिस चीज में हमारे लिए अल्लाह की रहमत हो फिर उससे दूर रहना क्या है अल्लाह की रहमत से दूर रहना बेशक आपका रब इनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला करेगा और वो बहुत जबरदस्त खूब इल्म वाला है फतेवक्ल अल्लाह इन न कामबीन बस आप अल्लाह पर तबक्ल कीजिए बेशक आप वाज हक पर हैं यानी अल्लाह के भरोसे पर अपना काम करते जाइए आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं और एक दिन यह हक वाज भी हो जाएगा बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना आप बहनों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जब वो पीठ फेर कर पलट जाए यानी देखें भी ना तो यहाँ कुफार को मुदों से तशबी दी गई कि जिस तरह एक मुर्दा इंसान के सामने कोई बात की जाए तो ना वो सुनता है ना समझता है ना जवाब देता है बिल्कुल यही हाल इन लोगों का है कि एक अल्लाह का एक पैगंबर इनके सामने हक बात कह रहा है लेकिन ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने सुना ही ना हो हक़ को देखा ही ना हो कोई निशानी ही ना देखी हो तो इसमें हमारे लिए भी एक सबक है अल्लाह की तरफ से आई हुई नसीहत और खैर की बात को गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए ज़ाहिर कि जो अमल करता है वही दरअसल सुनता है वमा और न आप अंधों को उनकी गुमराही से बचाकर हिदायत देने वाले हैं आप तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हैं जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं फिर वो फर्मा बरदार भी हैं मान भी जाते हैं इताद भी कर लेते हैं ऐसे लोग सुनते हैं यानी जो अमल कर लेता है गोया वो अल्लाह की बात को सुन रहा है और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है कि आप कुछ लोगों के ईमान न लाने की वजह से दिल गिरफ्तार ना हो अपनी हट धर्मी की वजह से उन्होंने बस ये तय कर लिया जिद और अना की वजह से कि उन्होंने ईमान लाना ही नहीं लिहाजा उन्हें नसीहत करना कुछ फ़ायदा नहीं देता और फिर बहरा भी बात समझ जाए अगर वो देख रहा हो तो इशारों की ज़बान से समझ जाए लेकिन अगर वो बहरा भी हो और मुंह भी मोड़ के चला जाए तो वो वो कुछ भी नहीं समझता तो यहाँ रूहानी मौत को जिस्मानी मौत से तशबी दी गई है कि जिसकी रूह मुर्दा हो जिसका दिल मुर्दा हो वो ऐसा ही है जैसे उसका जिसम मुर्दा हो और ऐसे लोग हक बात नहीं सुनते और जब इन पर वादा पूरा हो जाने को आएगा और जब इन पर वादा पूरा होने को आ जाएगा तो हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन न रखते थे क़यामत के करीब ये जानवर निकलेगा यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिस वईद को ये लोग झुटला रहे हैं और उसे जल्द लाने की जल्दी मचा रहे हैं तो जब उसका वक्त आएगा यानी आखरत का क़्यामत का वक्त आएगा तो हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो अनोखी किस्म का होगा वो जानवर क़्यामत क़्यामत की अलामत में से होगा यानी ज़मीन से जानवर निकलेगा जो क़्यामत की अलामत में से होगा उस जानवर के निकलने के बाद ईमान लाने का कोई फ़ायदा ना होगा क्योंकि अब आखरत की हकीकतों से हिजाब उठने लगा है क़्यामत के करीब अजीब व गरीब वाक़्यात रूनुमा होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कयामत क़ायम नहीं होगी हत्ता के दरिंदे इंसानों से कलाम करेंगे दरिंदे दरिंदे कौन से होते हैं जैसे शेर चीता हाथी हाथी वगैरह ये इंसानों से बातें करेंगे और आदमी से उसके कोड़े का किनारा और जूते का तस्मा बात करेगा ठीक है और उसकी रान उसे बताएगी यानी उसकी थाइज उसको बताएगी कि उसके घर वालों ने उसके बाद क्या किया और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता हम ए आई की वजह से ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं कि जिसमें ऐसी मालूम हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं रहा लेकिन जब क़्यामत करीब आ जाएगी तो क़्यामत की बड़ी निशानियों के जाहिर होने के बाद ईमान लाना फ़ायदा न देगा बहरहाल ये जानवर जो है जो बोलेगा भी ये लोगों की पेशानियों पे कोई निशान लगा देगा सल्लल्लाहु अलैहि साल वसल्लम ने फरमाया एक जानवर निकलेगा जो लोगों की पेशानियों पर निशान लगाएगा और वो निशान लोग और वो ज्यादा लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हत्ता कि आदमी किसी से ऊंट खरीदेगा तो कोई पूछेगा कि ये तूने किससे ख़रीदा है वो जवाब देगा मैंने ये किसी निशानजदा से ख़रीदा है के करीब जानवर, वो जानवर लोगों के पर कोई ऐसा निशान लगा देगा कि जिसकी वजह से लोग निशानी वाले पे, के पे जाएंगे। और से मुराद यहाँ मखसूस लोग हैं तो इससे इसका मतलब यह है कि जानवर लोगों से कलाम भी करेगा और क्या कहेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे यानि वो ईमान ना लाने वालों की निशानदेही भी करेगा कि कौन ईमान नहीं लाया हुआ अल्लाह सुबहान हमें ऐसे दौर से बचाए क्योंकि बस ईमान की सलामती की सबसे ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए क्योंकि एक के बाद एक फितना सामने आ जाता है और इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है बादज और फिर उसका ईमान जाने लगता है وَيَوْمَ نحشر व योम नाशर उमिन कुल उमतिन بآياتنا فهم यूज़ा और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों को एक एक और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों के एक ग्रोह को इकट्ठा करेंगे जो हमारी आयत को झुटलाया करते थे फिर वो ग्रोहों में तकसीम कर दिए जाएंगे यानी आयत झुटलाने वालों के ग्रोह लोगों को आयत जो झुटलाने वाले हैं उन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा फिर उनको उनके ग्रोह बना दिए जाएंगे और फिर अगले लोग जो हैं उनके पीछे वाले लोगों के आने तक अगलों को रोक रखा जाएगा और फिर इनकी अलग अलग, अलग ग्रुप बंदी की जाएगी मसत चोर अलग डाकू अलग काते अलग अलग जानी अलग यानी हर एक का अलग जत्था बनाया जाएगा यहाँ तक कि जब वो सब आ जाएंगे तो वो फरमाएगा क्या तुमने मेरी आयत को झुटला दिया था जबकि तुमने उनका इल्मी इहाता भी नहीं किया था यानी बग़ैर सोचे समझे बस इनकार कर दिया या क्या था जो तुम करते रहते थे यानी तुमने तोहीद के जो दलायल थे उनको समझने की कोशिश नहीं की गौर वफिक्र ही नहीं किया बल्कि सोचे समझे बग़ैर मेरी आयत को झुटला दिया और इसकी वजह से तुम्हें मेरी बातों पर गौर करने का मौका ही नहीं मिला और फिर वो इनकार करेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि तुम फिर और क्या कर रहे थे ये नहीं कर रहे थे यही तो कर रहे थे और उस जुल्म की वजह से जो उन्होंने किया था उन पर अजाब की बात पूरी हो जाएगी तो वो कुछ भी ना बोल सकेंगे यानी क़यामत के दिन की हौलनाकी की लोगों को बोलने ना देगी बात ना कर पाएंगे अपना कोई उजर पेश नहीं कर सकेंगे और बार जगहों पे आता है कि उनके मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी बोलने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी अलम्यरो मुबसिरा। क्या इन्होंने देखा नहीं कि हमने रात इसलिए बनाई ताकि वो इसमें सुकून पाएं रात किस लिए बनाई ताकि वो उसमें सुकून पाएं और दिन को रोशन बनाया यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं और जिस दिन सूर फूका जाएगा तो वो सब जो आसमानों और ज़मीन में हैं, घबरा जाएंगे सिवाय उसके जिसे अल्लाह महफूज रखना चाहे अल्लाह हमें भी उनमें शामिल कर लें और वो सब के सब उसके सामने जलील होकर आ जाएंगे कहा जाता है कि तीन बार सूर में फूका जाएगा पहली फूक में सारी दुनिया घबरा कर बेहोश हो जाएगी दूसरी फूक में मौत से हम किनार हो जाएगी और तीसरी फूक में सब लोग क़ब्रों से दोबारा जिंदा होकर उठेंगे और मैदान हशर में इकट्ठे हो जाएंगे और बास कहते हैं कि इससे मुराद पहला नफ़ा है और बास कहते हैं इससे मुराद तीसरा नफखा है और मुस्तना कौन लोग होंगे बास के नज़दीक अम्बिया शहदा बास के नज़दीक फरिश्ते बास के नज़दीक सब ईमान वाले इमाम शौकानी कहते हैं कि मुमकिन है कि तमाम मजकूरीन इसी में शाम, इसमें शामिल हों क्योंकि अहल ईमान हकीकी घबराहट से महफूज होंगे यानी घबराहट तो होगी अब देखें कि जब दुनिया में भी कोई हादसा होता है कोई जलजला आता है या कुछ होता है तो घबराहट होती है या नहीं होती और सब होती है लेकिन असल घबराहट तो उन पर होगी जिन्हें अब अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आएगा वह तरल जिबा तब जामिद और आप पहाड़ों को देखेंगे तो समझेंगे कि जमे हुए हैं हालांकि वो बादलों के चलने की तरह चल रहे होंगे पहाड़ जमीन से उठकर गुबार बनकर आसमान की तरफ बादलों की शक्ल में उड़ रहे होंगे ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया बेशक तुम जो कुछ करते हो बेशक जो कुछ तुम करते हो वो उसकी खूब खबर रखने वाला है मन जा अबिल हसन फलाहु खैरुम मिन्हा वहुम मिन, मिन फजाई यौम इदिन आमिनून जो कोई नेकी लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर बदला होगा और वो उस दिन हर घबराहट से अमन में होंगे तो क़यामत के दिन की घबराहट से बचने का नुस्खा क्या है नेकियां करना चाहे अल्लाह की इबादत की शक्ल में हो या बंदों के हकूक अदा करने अल्लाह की खातिर तो उससे इंसान के लिए यानी आप देखिए ना कि जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो क्या उसको मिलता है घबराहट भी हो तो सुकून आ जाता है इसी तरह अगर आप परेशान हैं सख्त परेशान है आप हज को चले जाए उम्रे को चले जाएँ तो क्या होगा आप अमन में आ जाते हैं मन दखल आहू काना आमिना जो वहाँ हरम में दाखिल हुआ अमन में आ गया इसी तरह जब आप ज़क़ात निकालते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके माल की प्रोटेक्शन हो गई आपको एक सुकून आ जाता है आप अमन में आ जाते हैं इसी तरह रोज़ा रख के कैफियत बहुत मुख्तलिफ होती है तो जितने भी अल्लाह ताला के अहकाम हैं जब इंसान उन पर अमल करता है तो दुनिया में भी उसको अमन और चैन मिलता है और इसकी बदौलत आख़रत में भी मिलेगा और इसी तरह जब इंसान इंसानों के हकूक़ अदा करता है वालदान को खुश करता है अपने शौहर को खुश करती है एक औरत अपने बच्चों का ख्याल रखती है उनके लिए एक शफीक माँ है एक मुरबी है एक मु, मुखलिस इंसान है जिसकी तरफ वो लुक फॉरवर्ड करते हैं तो आप जब लोगों के लिए सुकून का बायस बनते हैं तो क्या फिर आपको अमन और सुकून नसीब नहीं होगा आपको भी होगा लेकिन जब जुल्म कोई करता है किसी पर किसी का हक नहीं देता तो वो अपनी जान पर जुल्म करता है लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं अल्लाह का हक मार के भी और बंदों के हक मार के भी इसलिए इंसान को घबराहट से बचने के लिए दुनिया और आखरत की नेकी पे नेकी करते जाना चाहिए और अगर आप समझे कि आपकी नेकी आपकी नेकी दूसरे को फ़ायदा दे रही है मुझे क्या मिल रहा है तो ये जो सुकून की दौलत है ना ये बाजार में नहीं मिलती कि आप जाके ख़रीद लाए <laughs> क्योंकि जब आप स्लीपिंग पिल्स खा लेते हैं या मुसक्किन दवाइयाँ खा लेते हैं तो आप पूरी तरह फंक्शन भी नहीं कर सकते या आप पे गनूदगी तारी हो जाती है या आप सोए रहते हैं तो फिर ऐसे सुकून का क्या फ़ायदा कि जिसमें इंसान किसी काम का ही ना रहे इंसान जब इंसानों के बीच में होता है और उनकी गलतियों पर सब्र करता है और उनके साथ एहसान का रवैया अख्तियार करता है तो ये दरअसल उसके अपने ही लिए खैर है वंजा जो कोई नेकी लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर बदला होगा यानी ना सिर्फ ये वो मिलेगा जो उसने निकाला अल्लाह के रस्ते में बल्कि उससे भी बेहतर और वो उस दिन हर घबराहट से अमन में होंगे तो इससे पता चलता है कि अल्लाह का सवाब बंदे के अमल से कहीं ज्यादा है यानी बंदे के अमल कौल और उसके जिक्र से अल्लाह का सवाब बेहतर है इसी तरह अल्लाह की रजा बंदे के लिए उसके अमल से बेहतर है और ये भी कहा गया कि यह कौल इंसान के सवाब को कई गुना बढ़ाने की तरफ़ लौटता है क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला से एक नेकी के बदले दस नेकियां मिलती हैं और थोड़ी सी मुद्दत में ईमान लाने के बदले दायमी सवाब मिलता है आप दुनिया में कितने दिन आमाल करोगे चंद गिनती के दिन चंद रोजे कितने दिन के लिए चंद गिनती के दिन इसी तरह बाकी काम भी सारे दिन चौबीस घंटों के अंदर नमाज में कितना वक्त लग जाता है एक घंटा लग जाता होगा दो घंटे लग जाते होंगे बाकी वक्त तो आपका है तो आप अल्लाह की इबादत के लिए तो वक्त कम निकालते हैं लेकिन इसमें इसके जो असरात है और इसका जो अजर है वो कहीं ज्यादा है नबी वसल्लम ने फरमाया जल्ला फरमाता है जो शख्स नेकी का एक अमल करता है उसे उस उसे दस गुना बदला मिलेगा या मैं उसमें मज़ीद इजाफा कर दूंगा और जो शख्स गुनाह का एक अमल करता है तो उसका बदला उसी के बराबर होगा या मैं उसे भी माफ़ कर सकता हूँ वो मंजा अब इस सै अतिफा कुबत वजूह फिन्नार और जो कोई बुराई लाएगा यानी बुरा अमल करेगा तो वो ओंधे मुँह आग में डाल दिए जाएंगे तुम इन ही अमाल का बदला दिए जा रहे हो जो तुम किया करते थे मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं जिसने इसे मुहतरम बनाया है और हर चीज़ उसी की है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं भी फर्मा बरदारों में से हो जाऊं इस शहर से मुराद मक्का का शहर है ये ख़ास इसलिए जिक्र किया गया कि इसी में खाना काबा है और रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा यही शहर प्यारा था और ये वाला शहर भी है इसमें खून रेजी करना जुल्म करना शिकार को मारना दरख्त काटना कांटा तोड़ना तक भी मना है और ये कि मैं कुरान पढ़कर सुनाऊं जी कुरान खुद भी पढ़ा जाता है और पढ़कर सुनाया भी जाता है और सुन के भी इंसान को बहुत सी बातें ऐसी समझ आती हैं जो सिर्फ खुद तिलावत करने से नहीं आती तो जो कोई हिदायत पा गया तो वो अपने ही लिए हिदायत पाएगा और जो कोई भटक गया तो कह दीजिए कि मैं तो बस खबरदार करने वालों में से हूं यानी मेरा काम सिर्फ तबलीग है मेरी तबलीग से जो मुसलमान हो गया जो सीधे रस्ते पर आ गया उसका अपना ही फायदा है कि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा और जो मेरी दावत को नहीं मानेगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं अल्लाह ताला खुद उससे हिसाब ले लेगा और उसे जहन्नम के अजाब का मजा चखाएगा वकुल्ला को कुम ही। और कह दीजिए तमाम तारीफें ही के लिए हैं अन करीब वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उन्हें पहचान लोगे और जो तुम करते हो आपका कर रब उससे हरगिज गाफिल नहीं है तो मौत से पहले पहले निशानियों से फायदा उठा लेना चाहिए और ईमान ले आना चाहिए और फिर जब निशानियों को इंसान देख ले और पहचान जाए तो फिर उस पर ईमान ले आए सूरत-ul-कसस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق قوم يؤمنون. شروع کرتی ہوں اللہ الله كنعم سي. जो बेानतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है तोसीम दिल का आया तुलता मुबिन ये आयात है रोशन किताब की हम आप पर मूसा और फिर ऑन की कुछ खबर हक के साथ बयान करते हैं बिल्कुल ठीक ठीक उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं उन्हीं को इससे फ़ायदा होगा बेशक फ़िरन ने जमीन में सरकशी की और उसके रहने वालों को कई ग्रोहों में बांट दिया था उनमें से एक ग्रोह को उसने निहायत कमजोर कर रखा था यानी बनी इसराइल को वो उनके बेटों को जबह करता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता था बेशक वो फसाद करने वालों में से था बनी इसराइल फिर ओन की गुलामी और जुल्म का शिकार हुए हालांकि वो अपने वक्त की अफजल तरीन कौम थी बनी इसराइल यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र आए थे और बहुत मुद्दत तक नहायत शान शौकत और अहतराम के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे लेकिन फिर अल्लाह की नाफ़रमानियों की वजह से अपने आमाल बद की वजह से अल्लाह ताला ने मिस्र के असल बाशिंदे जो किप्ती थे उन्हें इन पर मुसलत कर दिया उन्होंने इन्हें ग़ुला बना लिया तो और फिर ये जो फिर आ, हलाक हुआ आखिरी फिर जो था इसने तो उन्हें इंतहा दर्जे का कमज़ोर और बेबस कर दिया था उसने ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि किब्ती आका बन कर रहें बनी इसराइल ग़ुलाम और ख़दमत गार बन कर रहें चनाचे हर तरह का मुशक्कत वाला काम इन्हीं से लिया जाता खेती बाड़ी इमारतें बनाने नहरें खोदने वगैरह का काम और इनकी औरतें घरों में काम करती और लड़कों को ज़बह करके इनकी औरतों से इनकी औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाते यानी आप सोचिए कि इससे ज़्यादा बुरे हालात किस कौम के हो सकते हैं और फिर मज़ीद ज़ुल्म क्या कि यद हो अबना अहम व यस्ता ही नस्ाह अहम बनी इसराइल के बेटों को कतल करता था फ़िरौन क्योंकि बाज़ नजूमियों की पेशन गोई थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों फ़िरौन की हलाकत होगी उसका हाल उसने ये निकाला कि पैदा हर पैदा होने वाला इसराइली बच्चा कतल कर दिया जाए हालाँकि उसने ये नहीं सोचा कि अगर ये बात सच्ची है तो ऐसा तो हो ही जाएगा और अगर झूठी है तो लोगों को कतल करने की क्या ज़रूरत है बच्चों को कत्ल करने की जरूरत नहीं बस कहते हैं कि हजरत इब्राहिम की तरफ से ये खुशखबरी मुंतकिल होती चली आ रही थी कि उनकी नस्ल से एक बच्चा होगा जिसके हाथों सल्तनत मिस्र तबाह होगी तो किब्तीयों ने यह बशारत बनी इसराइल से सुनी और फिरौन को बता दिया उस पर उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया बहरहाल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता लेकिन ये बात कुरान वाज तौर पर बताता है कि बनी इसराइल के बच्चों का कत्ल आम हो रहा था और हम चाहते थे कि हम उन लोगों पर एहसान करें यानी बनी इसराइल पर जो जमीन में नहाय कमज़ोर बना दिए गए थे और हम इन्हें पेशवा बनाए और इन्हीं को हम वारिस बना दें फिल अर्द, और हम इन्हें ज़मीन में इकतदार बख्शें और फिर आन और हामान और इनके लश्करों को वो चीज दिखा दें जिससे वो डरा करते थे हामान फिर का वजीर था जो जुल्म सितम में उसका उसके बराबर का शरीक था तो अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को ज़मीन में इकतदार देने का इरादा किया तो फिर अल्लाह ताला ने अपने उस इरादे को पूरा किया और यह हकीक़त है कि जिस चीज़ का अल्लाह इरादा कर रहे, उसे कोई भी रोक नहीं सकता और ये भी इस आज से पता चलता है कि अल्लाह की तकदीर कभी नहीं टल सकती उसके इरादे को पूरा होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती सूरह यूसुफ में आता है अल्लाहू ग़ालिबुन अला अमरी वलाकिन अक्सरा الناس ला, ला यालमून अल्लाह अपने काम पर गालिब है और अक्सर लोग जानते नहीं अगर ये यकीन आ जाए ना कि सब कुछ अल्लाह नहीं करना है तो इंसान का हौसला बढ़ जाता है और हमने मूसा की मां की तरफ इल्हाम किया कि इसे दूध पिलाती रहो फिर जब तुम्हें इसके बारे में खौफ हो तो इसे दरिया में डाल देना और न तुम खौफ खाना और ना गम करना बेशक हम इसे तुम्हारी तरफ लौटा देने वाले हैं और इसे रसूलों में से बनाने वाले हैं तो मज़लूम बनी इसराइल पर एहसान की इबिदा यहाँ से होती है कि उन मूसा सलाम को किस तरह अल्लाह सुबहान बचाता है मूसा सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था और इनके भाई हारून की विलादत एक साल पहले हो चुकी थी ये वो साल था जिसमें लड़के कत्ल नहीं किए जाते थे पहले तो हर बच्चा मारा जा रहा था फिर उस फिरौन को बताया गया कि अगर ये सारे मर गए तो हमारे काम कौन करेगा लिहाजा ये डिसाइड हुआ कि एक साल बच्चों को मार दिया जाए और एक साल छोड़ दिया जाए अरे अकल के अंदो सोचो हो सकता है वो बच्चा उसी साल पैदा हो जाए जिसको तुम तो छोड़ रहे हो तो बहरहाल मूसा सलाम को मुसलम की वालदा को अल्लाह ताली ने इल्हाम किया कि ये काम करो और उन्होंने उस पर अमल किया और फिर ख़ास तौर पर बच्चे को कास्केट में डालने से पहले उसको दूध पिलाओ यानी माँ को बच्चे की ज़रूरियात पूरी करने में सबसे अहम ज़रूरत क्या है कि उसको अपना दूध पिलाए और माँ के दूध से बढ़कर कोई चीज़ बच्चे की ज़रूरत पूरी नहीं करती तो यहाँ पर हुक्म दिया कि इतना दूध पिलाओ कि कम से कम उस वक्त तक सरवाइव कर जाए जब तक तुम्हारे पास वापस आता है तो दूध पिला अच्छा इससे ये पता चलता है कि दूध पिलाने की इस मुद्दत में मूसा सलाम मुझाती तौर पर फिरियों से बच गए किसी को पता नहीं चला किसी को ख़बर ही नहीं हुई यानी उनकी वालदा का हमल फिर विलादत और फिर कुछ अरसे तक दूध पिलाते रहना ये किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब हो हो रहा है और फिर ये कितनी खूबसूरत बात है जो अल्लाह ताला ने फ़रमाई वला तखाफी वला तहज़नी ये दो लफ्स हैं कहीं लिख के लगा लीजिए जब आपके ऊपर खौफ या गम की कैफ़ियत हो तो बार बार इसको पढ़े वला तखाफी वला तहज़नी ना डरो न गम करो इन्ना रात इलैकी हम इसको तेरे पास वापस ले आएंगे क्योंकि आमतौर पर इंसान को किसी चीज के जाने का ही गम होता है ना तो आले फिरौन ने उसे उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम का मूजब हो अल्लाह कैसे अपने काम करवाता है रह गया फिर जब तुम्हें उसके बारे में खौफ हो तो उसे दरिया में डाल देना और ना तुम खौफ खाना और ना गम करना बेशक हम उसे तुम्हारी तरफ लौटा देने वाले हैं और उसे रसूलों में से बनाने वाले हैं यानी उसे रसूल बनाने वाले हैं पढ़ चुकी हूँ तो आले फिरौन ने उसे उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम का मूजब हो बेशक फिरौन और हामान और दोनों के लश् और उन दोनों के लश्कर खताकार थे और फिर ओन की बीवी कहने लगी ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है इसे कत्ल मत करो उम्मीद है कि यह कि वो हमें नफा देगा उम्मीद है कि वो हमें नफा देगा या हम इसे बेटा बना लेंगे और वो अंजाम से बेखबर थे के अंदर अल्लाह ताला ने एक खास कशिश रख दी थी मोहब्बत रख दी थी वह अलकैतु का मोहब्बतम मिन्नी जिस सूरत में आता है कि मैंने तुझ पर अपनी तरफ से एक मोहब्बत डाल दी थी अब हुआ ये कि फिरौन और उसकी बीवी ने जब संदूक खुलवाया तो उसमें से नहायत खूबसूरत प्यारा बच्चा निकला और उसके अंदर ऐसी कशिश थी कि उसको देख कर उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई अब फिर ऑन का इरादा तो यही था कि उसको कत्ल कर दे लेकिन उसकी बीवी की सफारिश हजरत आसिया की सिफारिश क्या थी कि नहीं इसको हम अपना बेटा बना लेते हैं अब ये कहना कि इसे कतल मत करो इससे पता चलता है कि वो कतल करने का इरादा कर चुके थे बहरहाल हजरत आसिया जो फिर की बीवी थी ये खा, ये ख़ातून दुनिया की बुलंद तरीन मरतबा रखने वाली ख़वात में से थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम ने फरमाया मर्दों में से बहुत से कामिल हुए हैं मगर औरतों में फ़िरौन की बीवी आसिया और इमरान की बेटी मरियम के सिवा कोई कामिल नहीं हुई और आयशा की औरतों पर बरतरी ऐसे ही है जैसे सरीत की बरतरी तमाम खानों पर तो मतलब ये उन खातिन में से हज़रत आ, आसिया कि जिनको जन्नत की बशारत भी दी गई और बहुत समझदार खातून थी तो इससे यह पता चलता है कि फसादी लोगों के अंदर कभी कभी सालह लोग भी होते हैं जो उनके फसाद से बचाने का बायस बन जाते हैं जैसे आसिया सलाम उस बच्चे के कत्ल को रोकने का बायस बन गई और मूसा की माँ का दिल खाली हो गया करीब था कि वो उसे जाहिर कर ही देती अगर हमने उसके दिल को मजबूत न किया होता ताकि वो ईमान लाने वालों में से हो ये अल्लाह सुबहान तला ने ही सलाम की वालदा का दिल बांध रखा था उसकी ढारस बंधाई थी उस दिल को मज़बूत रखा था तो इससे ये पता चलता है कि हमारे दिल अल्लाह के हाथ में अगर दिल में शदीद घबराहट हो या बेचैनी हो या इसतराब हो या परेशानी हो कुछ भी हो तो उसकी असलाह के लिए अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है और वो उसकी बहन से कहने लगी कि इसके पीछे पीछे जा फिर वो उसे दूर से देखती रही और वो शौर ना रखते थे ये बच्ची भी जो सलाम की बहन थी बहुत जहीन बच्ची थी किनारे पे रह के साथ साथ चल रही थी इस तरह देख रही थी कि किसी को पता ही ना चले कि ये इसको जानती भी है एक अरब शायर ने खूब कहा है कि जब तुम किसी काम के लिए किसी को भेजो तो दाना आदमी को भेजो फिर उसे समझाने की ज़रूरत नहीं यानी फिर वो अपना रास्ता ख़ुद निकाल लेगा और हमने पहले ही उस पर दूध पिलाने वालियाँ हराम कर दी थीं तो वो कहने लगी क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों के बारे में बताऊँ जो तुम्हारे लिए उसकी कफालत करें और उसके खैर खा भी हों अब फिर की बीवी जो थी उसको तो बहुत तड़प लगी हुई थी कि किसी तरह ये बच्चा दूध पिए ताकि सरवाइव करे और वो हर कीमत पर उसका इंतज़ाम करना चाहती थी और जो भी लाया गया उसका दूध पीने से जो भी खातून लाई गई मूसी सलाम ने उसका दूध पीने से इनकार कर दिया अब उनको डर था कि ये बच्चा फौत ही ना हो जाए भूख के मारे और रोने से तो बहरहाल मूसा सलाम की बहन का उस इस वक्त बहुत अहम किरदार सामने आया कि वो अजनबी बन के सब कुछ देख रही थी और जब सब की कोशिश नाकाम हो गई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक और घर वाले बताती हूँ कि जिस जिसका दूध शायद ये पी ले और इस तरह मुसीम की वालदा को बुलाया गया और बच्चे ने दूध पीना शुरू किया और फिर अल्लाह ताला ने बच्चे को माँ की तरफ ही लौटा दिया परदनाहू इला उम्मी ही कई तकर्र अन वला तहजन तो हमने उसे उसकी माँ की तरफ़ लौटा दिया ताकि उसकी आँखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो और वो जान ले कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन उनके अक्सर इल्म नहीं रखते इस हुक्म अमल करना मुश्किल था ना कितना मुश्किल एक माँ की हैसियत से सोचो बहुत मुश्किल लेकिन मूसा ने अल्लाह ताला के हुक्म की, की ताबेदारी की मान गई परमाबरदारी की बहुत सख्त आजमाइश थी नतीजा क्या हुआ अल्लाह ने उनका दिल थाम लिया अल्लाह ने उनका बच्चा उनको लौटा दिया इम्तिहान में भी कामयाब हो गई दर्जात भी बुलंद हो गए और जिस वजह से गमगीन थी वो वजह भी ख़त्म हो गई कि बच्चे की ज़िंदगी भी बच गई और बच्चे को देखने के काबिल भी हो गई तो बहुत से लोग अंजाम की हकीकत से बेखबर होते हैं इसलिए वो अल्लाह ताला के हुक्म को ज़्यादा अहमियत नहीं देते और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा और खूब तवाना हो गया तो हमने उसे हमत और इल्म से नवाज़ा और नेकोकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं और वो ऐसे वक्त में शहर में दाखिल हुआ जब उसके रहने वाले गफलत में थे तो उसने उसमें दो आदमियों को बाहम लड़ते हुए पाया एक तो उसके अपने ग्रोह में से था और दूसरा उसके दुश्मनों में से था तो वो जो उसके अपने ग्रोह में से था उसने उसके खिलाफ मदद तलब की जो उसके दुश्मनों में से था तो मूसा ने उसे एक घोंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया कहने लगा यह तो कोई शैतानी काम है बेशक वो खुल्लम खुल्ला गुमराह करने वाला दुश्मन है चूंकि बनी इसराइल पर जुल्म आम हो रहा था इसलिए मूसा अगर फिरौन के दरबार में पल रहे थे लेकिन उनकी हमदर्दियां अपनी कौम के साथ थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो बनी इसराइल में से हैं और वो जानते थे कि किब्ती उनके दुश्मन हैं और उनके ऊपर जुल्म हैं। लिहाजा वो शहर से यानी महल से निकले शहर की तरफ गए लगता है कि शहर से बाहर थे। और देखा कि किसी स्ट्रीट में दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं तो उस पर इसराइली जो था उसने जब मूसा से मदद तलब की तो उन्होंने मदद के तौर पर आगे बढ़कर जब उस मामले को हल करना चाहा मुखालिफ को एक मुक्का ही मारा तो वो फौत हो गया उनका कत्ल का इरादा नहीं था उनके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी लेकिन हुआ क्या इस बात से वो सख्त परेशान हुए قال रबी इन्नी ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم कहने लगा ऐ मेरे रब बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है बस तू मुझे बख्श दे तो उसने उसे बख्श दिया बेशक वह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है अगर सलाम ने अगरचि ये नहीं किया था लेकिन पैगम्बरों के हक में थोड़ी सी बेहतियाती भी मुनासिब नहीं इसलिए उन्होंने बख्शिश तलब कर ली क्योंकि पैगम्बरों की शान बड़ी होती है ना लेकिन याद रखिये मूलम बख्शे जाने के बाद भी इस बात पर नादिम रहे हत्यामत के दिन भी जब उनके पास लोग आएंगे कि हमारी सिफारिश करें तो वह क्या कहेंगे इन कतल तो नफसन लम उम्र बेकत रिहा मैंने एक जान को कत्ल कर दिया था जिसके कत्ल करने का मुझे हुक्म नहीं दिया गया था तो जाहल और मतकबर के गुनाह में फ़र्क होता है यानी जो जहालत की बिना पे गुनाह कर लेता है वो तो पलट आता है तोबा कर लेता है और जो किबर की वजह से गुनाह करता है फिर वो रुजू नहीं करता अड़ जाता है तो हमें भी अपने गुनाहों पर उजर बहाने नहीं बनाने चाहिए उसकी बजाय तोबा कर लेनी चाहिए आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम थे जिनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ वो दिन में सत्तर से सौ बार इस्तिग़फ़ार करते थे तो इंसान जो है वो कमज़ोर है हमसे उठते बैठते कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उसका इजाला इस्तिग़फ़ार के साथ करना चाहिए उसने कहा ऐ मेरे रब जैसे तूने मुझ पर यह इनाम किया है तो मैं भी कभी मुजरमों का मददगार न बनूंगा फिर वो सुबह के वक्त डरते डरते खुफ़िया टो तो लगाते हुए शहर में गया तो देखा कि अचानक वही शख्स जिसने कल उससे मदद मांगी थी वो उससे फरियाद कर रहा है वो किसी और से अब लड़ रहा है मूसा ने उससे कहा बेशक तू तो सरीहन बहका हुआ है फिर जो ही मूसा ने इरादा किया कि उसे पकड़ ले तो जो इन दोनों का दुश्मन था वो कहने लगा ऐ मूसा क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जैसे तूने कल एक शख्स को कत्ल किया था तू तो जमीन में जब्बार बनकर रहना चाहता है और तू इसलाह करने वालों में से नहीं होना चाहता सलाम ने किबती को पकड़ना चाहा तो वदी इसराइली ये समझा कि शायद मुझे पकड़ने लगे हैं तो वो बोल उठा मूसा कि जिस तरह तूने कल कत्ल किया आज फिर करने लगे हो मुझे कत्ल करने लगे हो तो उससे किब्ती को पता चल गया कि कतिल कौन है क्योंकि कत्ल की खबर तो मशहूर हो चुकी थी लेकिन कातिल का नहीं पता था और इस तरह राज खुल गया और उसने जाकर फिर ऑन और उसके अहलकारों को बता दिया और जो ही यह खबर वहां पहुंची और शहर के आखिरी किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया कहने लगा ए मुसा बेशक सरदार तेरे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि वो तुझे कत्ल कर दें बस तू यहाँ से निकल जा यकीन कर मैं तेरे खैर खाहों में से हूँ वह खरा जमीन हा बस वह डरते डरते खुफिया टो लगाते हुए वह वहाँ से निकल पड़ा कहने लगा ऐह मेरे रब मुझे ालिम कौम से निजात दे रबी नजीन अनप्लैंड जर्नी कुछ पता नहीं किधर जा रहे हैं क्या करना है कोई तैयारी नहीं कोई सामान्य सफ़र नहीं कोई सवारी नहीं कुछ भी नहीं अब तो शहर से निकलना ही निकलना है बेयारो मददगार और जब मदियन की जानब रुख किया तो कहने लगा मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा यानी जहाँ मुझे जाना चाहिए वहीं ले जाएगा कितना तवक्कुल है रब पे कितना उसे ये नहीं कहा घबरा के अब मुझे नहीं पता किधर जाना है अब मैं क्या करूँ और रोना कुछ नहीं मुश्किल सफ़र अनप्लैंड जर्नी लेकिन तवक्कुल अल्लाह जो लोग मुश्किलात में अल्लाह पर तवक्कुल कर लेते हैं वो राह पा लेते हैं मम तवक्कल अल्लाह हसबुह जो अल्लाह पे तो भरोसा करता है अल्लाह ताला उसको काफी हो जाता है और जब मदीन की जान रुख किया तो कहने लगा मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा और वाकई उनको ऐसा सीधा रास्ता दिखाया गया कि उनकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी और जब वो मदीन के पानी पर पहुंचा तो वहां लोगों का एक ग्रोह पाया जो अपने मवेशियों को पानी पिला रहा था और उनके अलावा दो लड़कियों को पाया जो अपने मवेशी रोक रही थीं कहा तुम दोनों का क्या मामला है वो दोनों कहने लगी जब तक चरवाहे वापस ना लौट जाए हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाती ताकि मर्दों के अंदर ना इख्तलात ना हो और हमारा बाप बहुत बूढ़ा है तो उसने उनको पानी पिला दिया फिर साय की तरफ पलट गया तो कहने लगा ऐ मेरे रब रब्बी इन्नी लिमा अनजलता मिन खैरिन फकीर जो भलाई भी तू मेरी तरफ नाजिल करे बेशक मैं उसका मोहताज हूँ सलाम सफर से थके हुए हैं इसके बावजूद नेकी का मौका सामने आता है तो फौरन उठ खड़े होते हैं और फिर उनसे किसी सिले की तो नहीं रखते उनसे कोई फालतू बात नहीं करते बल्कि वापस अपनी जगह पर साय दरख्त के साय के नीचे आके बैठकर अल्लाह से बात करते हैं इन्नी लिमा रब भी इन्नीलिमाजल तिलैया मिन खैर फ़कीर कि अरब जो भलाई भी तू तो मेरी तरफ़ नाजिल कर दे मैं उसका मोहताज हूँ अब मैं इंतहाई ज़रूरतमंद हूँ तू मुझ पर अपनी नज़र करम फरमा और ख़ैर का लफ्ज़ कई चीज़ों पर बोला जाता है खाने पर नेकी के कामों पर इबादत कुत माल और यहाँ सारी चीज़ें चाहिए थी ना खाना भी चाहिए था ठिकाना भी चाहिए था कमाल दर्जे का अखलाक है ना और अखलास भी है कि इतनी मुश्किल में नेकी करके किसी किस्म की कोई ही नहीं क्योंकि रब पूरी करता है ना सारी चीजें देने वाला तो रब है हमारी जिंदगी में यह चीज किस कदर मिसिंग है आमतौर पर लोग अगर अपना कोई मसला बताते हैं तो मैं उनसे कहती हूं कि अल्लाह से अल्लाह को पुकारो दुआ करो वो समझते हैं कि शायद मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी और मैं समझती नहीं और मैं उनके दुख और गम को जानती नहीं इस इस वक्त सलाम जिस कंडीशन में है थकावट और भूख और अजनबीयत और परेशानी के आलम में इससे बड़ी तकलीफ हमें कभी को पहुंची होगी या इस जैसी नहीं हमारी तकलीफ़ें तो इसके मुकाबले में बहुत कम है उन्हें तो किसी की भी खबर नहीं वहाँ के कौन रहता है यहाँ और कौन मेरी मदद करेगा और किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना चाहते थे सवाल भी अल्लाह से कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने किस तरह फिर आगे मदद की उनकी हम अल्लाह को पुकारने को इतना हल्का क्यों समझते हैं हम दुआ करने को मामूली चीज क्यों समझते हैं दुआ तो मोमिन का हथियार है जब हमारे पास कोई भी वसीला नहीं रहता तो भी सबसे बड़ा वसीला होता है और वो है अल्लाह की मदद अल्लाह ताला हम हम पे डालते हैं कि हम उससे मांगते हैं कि नहीं मांगते वो तो बिन मांगे भी देता है लेकिन कुछ वाह हालात में वो चाहता है कि हम उस सिर्फ उसी की तरफ पलटें हमें से हर एक को जायज़ा लेना चाहिए कि वो मुश्किल वक्त में क्या तरीका इख्तियार करता है जब दुखी होता है तकलीफ़ होता है उसको परेशानी होती है तो फिर वो किधर जाता है अम्मा के पास अब्बा के पास बहन के पास उस्ताद के पास किसी मेहरबान के पास किसी दोस्त के पास कहाँ नहीं सबसे पहले अल्लाह के पास फिर अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेगा अब आगे क्या करना है फिर उन दोनों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई उसके पास आई कहने लगी मेरे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं ताकि तुम्हें उसकी उजरत दें जो तुमने हमारे लिए पानी पिलाया है चनाचे वो उसके पास आया और उससे सारा किस्सा बयान किया तो उसने कहा डरो नहीं तुम जालिम कौम से निजात गए हो यानी ये टेरिटरी फिर की हुकूमत से बाहर है जहां तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कह सकता तो देखिए किस तरह अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली और फौर ही बुलावा आ गया और यहाँ खास तौर पर औरत के हया की जिक्र की गई औरत के हया का जिक्र किया गया है और यही औरत का असल जेवर असल हुसन असल ख़ूबसूरती है कि वो मर्दों की तरह हया और हिजाब से बेनियाज नहीं होती बेबाक नहीं होती कि हर एक हर मर्द से हंस हंस के बातें शुरू कर दे और उसके साथ फ्री हो जाए और परवाही ना करे हया जो है ये ईमान का हिस्सा है रसूल अल्लाह वसल्लम ने फरमाया हया और ईमान को एक दूसरे के साथ इकट्ठा किया गया है लिहाजा जब इन दोनों में से एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी साथ उठ जाता है रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया ईमान का हिस्सा है और ईमान का ताल्लुक जन्नत से है अमू साम उनके घर बैठे हैं احداهما या अब उन दोनों में से एक कहने लगी ऐ जान आप इसे उजरत पर रख लें बेहतरीन शख्स जिसे आप उजरत पर रखें वही है जो मजबूत और अमानत दार हो उन्हें सलाम की मजबूती का कहां से पता चला कहते हैं कि बहुत बड़ा जो पत्थर था जिसे दस आदमी उठाते थे उन्होंने अकेले उठा लिया जब वो पानी पिला रहे थे वहां और फिर अमानतदार कि ना उन्हें लड़कियों को देखा ना उनसे कोई बात की और ना ही उनसे किसी किस्म का कोई मुतालबा किया उसने कहा मैं अपनी दो बेटियों में से एक का निकाह तुमसे इस शर्त पर करना चाहता हूं कि तुम मेरे यहाँ आठ साल मजदूरी करो फिर अगर तुम दस साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर मशक्कत नहीं डालना चाहता इंशाल्लाह तुम जरूर मुझे नेक लोगों में से पाओगे उसने कहा यह बात मेरे और तेरे दरमियान तय हो गई इन दोनों में से जो मुद्दत भी मैं पूरी कर दूं मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी और जो बात हम कह रहे हैं अल्लाह उस पर निगरान है अला मा नकुल वकील तो इससे यह पता चलता है कि इस्लाम में निकाह के लिए गवाहों का होना भी जरूरी है फिर जब मूसा ने मुकर्रा मुद्दत पूरी कर ली और वो अपने घर वालों को लेकर चल दिया तो उसने तूर की जानब एक आग देखी उसने अपने घर वालों से कहा ठहरो मैंने एक आग देखी है हो सकता है कि मैं तुम्हारे पास वहां से कोई ख़बर या आग का कोई अंगारा ले आऊं, ताकि तुम ताप सको तो मूसम ने दस साल मुद्दत पूरी की और फिर वहां से इजाज़त लेके अपनी बीवी को साथ लेकर निकले वापस मिस्र जाने के लिए क्योंकि दस साल की मुद्दत अगर कोई Uh, कोई शख्स मुल्क से बाहर रहता तो फिर वापसी पर उसको कुछ नहीं कहा जाता था नहीं उस पर वो कानून लागू नहीं होता था फिर जब वो उस आग के पास आया तो बहुत बाबर फिर जब वो उस आग के पास आया तो बबरकत जगह में वादी के दाए जानिब के किनारे से एक दरख्त से पुकारा गया मूसा बेशक मैं ही अल्लाह हूँ जो तमाम जहानों का रब है और ये कि तू अपना असार डाल दे फिर जब उसने उसको देखा कि वो हिल रहा है गोया कि वो एक सांप है तो वो पीठ फेर कर चल दिया और पीछे मुड़ कर भी ना देखा और माया एम आगे बढ़ और खौफ ना कर बेशक तू अमन पाने वालों में से है अपना हाथ अपने गिरेबान में दाखिल कर वो किसी तकलीफ के बगैर चमकता हुआ निकलेगा और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू अपनी तरफ मिला ले तो ये दोनों निशानियां तेरे रब की तरफ से हैं फिर ओहन और उसके सरदारों की तरफ जाने के लिए बेशक वो फासिक लोग हैं तो यदा दूसरा मुजजा था जो उन्हें अता किया गया पहला था असा और दूसरा था यद बैजा और यहां खौफ दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है एक हल बताया गया है कि इंसान अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले यानी अपने आप को अपने साथ मिला ले अपने हाथों को अपने जिस्म के साथ मिला ले और अगर दोनों नहीं तो एक को भी डाला जा सकता है आ, एक छोटी सीटी पर अगर रात को अगर आपको नींद ना आ रही हो ना तो आप अगर, अगर अपने एक हाथ को अपने सर के नीचे रखे हुए तो दूसरे को उसके अंदर रख लें तो आप सुकून में आ जाएंगे और बहुत जल्दी नींद आ जाएगी आपको तो ये खौफ को दूर करने का और बेसुकूनी को दूर करने का एक बेहतरीन नुस्खा है कि अपना ही हाथ अपने ही जिस्म के अंदर इंसान छुपा ले तो वो रिलैक्स हो जाता है قال ربي اني कतल منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ओ अकतुल उसने कहा अः मेरे रब बेश मैंने इनमें से एक शख्स को कत्ल कर दिया था तो मैं डरता हूं कि वो भी वो मुझे भी क़त्ल कर डालेंगे और मेरा भाई हारून वो मुझसे ज़्यादा फसीहुल्लसान है तो इसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दे कि वो मेरी तस्दीक करे मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटला देंगे फरमाया हम ज़रूर तेरे भाई के ज़रिए तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को अपनी निशानियों के साथ ऐसा गलबा अता करेंगे कि वो तुम तक पहुँच ना सकेंगे तुम दोनों और जो तुम्हारी पैरवी करें वही गालिब आने वाले हैं फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली खुली निशानियों के साथ आया तो वो कहने लगे कि ये तो महज एक खड़ा हुआ जादू है और हमने ये अपने पहले आबाओ इजाद में कभी सुना भी ना था को उन्होंने जादू करार दिया और मूसा ने कहा मेरा रब इसे खूब जानता है जो उसके पास से हिदायत लेकर आया है और जिसके लिए आखरत के घर का अच्छा अंजाम होगा बेशक जालिम लोग फला नहीं पाते और फिर ने कहा ए अहल दरबार मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारे लिए मबूद नहीं जानता तो ए हामान तुम मेरे लिए मट्टी पर आग जलाओ फिर मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं मूसा ताकि मैं मूसा के महबूद की तरफ झांकूं और मैं तो उसे झूठों में से ही समझता हूँ यानी ये सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए सब बातें हो रही थी वरना किसी बिल्डिंग पर चढ़ के तो चांद भी बाजू का नजर नहीं आता तो इनको मूसा का खुदा कैसे नजर आता और उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में ना हक तकबर किया और वो ये समझते थे कि बेशक वो हमारी तरफ लौटाए ना जाएंगे यहां जमीन से मुराद अर्ज मिसर है जहाँ फिर हुक्मरान था और अपने आप को बड़ा समझता था तो हक इन्होंने तकबर किया और फिर नाहक यानी तकबुर तो वैसे ही दुरुस्त नहीं तो ना हक तो और भी गलत है

और क़यामत के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे वलकदातेना मूसल किताब मिम्बा दिमा अहलक नल कुरून अल ऊला और पहली उम्मतों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को ऐसी किताब अता की जो लोगों के लिए बसीरत का ख़जाना और हिदायत और रहमत थी ताकि वो नसीहत हासिल करें ये मकसद था मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिए जाने का और इस पहली उम्मतों से मुराद फिर और फिर या नूह आद, आद और समूद की कौमें और आप तूर कौमे मगरबी जाने मौजूद न थे जब हमने मूसा की तरफ अपने हुक्म की वही की और ना आप मुशाह करने वालों में से थे यानी अगर आप रसूल बरहक ना होते तो मूसा सलाम के वाके का इल्म भी आपको ना होता क्योंकि आपका इल्म मुशाहदे का नतीजा नहीं ये अल्लाह की रहमत है कि उसने आपको नबी बनाया और आप पर वही की उस वही के ज़रिए ये सारी मालूम मिल रही हैं कि वहाँ क्या हुआ था लेकिन हमने कई उम्मतें उठाईं फिर उन पर मदत हयात तवील हो गई और आप मदियन वालों में मुक़ीम न थे कि आप उन पर हमारी आयात पढ़ते लेकिन हम ही रसूल भेजने वाले थे और आप दूर के किनारे पर भी न थे जब हमने मूसा को पुकारा था लेकिन यह तो आपके रब की तरफ से एक रहमत है ताकि आप ऐसी कौम को ख़बरदार करें कि जिनके पास आपसे पहले कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया शायद के ये नसीहत हासिल करें और अगर ये बात ना हो कि इन्हें इनके किए की वजह से कोई मुसीबत पहुँचेगी तो ये कहेंगे ऐ हमारे रब तूने तो हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा ताकि हम तेरी आयात की पैरवी करते और हम ईमान वालों में से हो जाते सलाम का किस्सा तो मुकम्मल हुआ अब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सखातबी से ख़िताब है कि इनकी सरकशी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और अगर अल्लाह ताला नबी ना भी भेजता तो जुल्म यानी जुल्म ना होता ठीक है और नबी ना भेजकर भी अज़ाब भेज देता तो जुल्म ना होता जितने ये सरकश हो चुके थे क्योंकि उन पर उनके हाथों की कमाई की बदौलत ही मुसीबत आती लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने अपने एहसान का जिक्र किया कि उसने इनके अंदर एक नबी भेज दिया पलम्मा जा अहमुल इंदिना फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ गया तो वो कहने लगे इस पैगंबर को इसी की मानिंद क्यों ना दिया गया जो मूसा दिए गए थे क्या भला उन्होंने इसका इंकार नहीं कर दिया था जो इससे पहले मूसा को दिया गया था इन्होंने कहा था ये दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और कहने लगे हम तो हर एक के इनकारी हैं यानी अगर मूसा सलाम जैसी निशानियां भी दे दी जाएं आपको तो ये मान नहीं लाएंगे जैसे उनके मोजात थे असा लाठी का सांप बन जाना और हाथ का चमकना वगैरह अगर नबी सल वसलम को भी ये सब दिया जाए तो भी ये लोग नहीं ईमान लाएंगे क्योंकि अबू जहल इस उम्मत का फिरौन था और वो सरदार था और सब लोग उसकी पैरवी कर रहे थे जैसे फिरौन की कौन फिरौन की पैरवी की जा रही थी और वो मुतकबिर था यानी मुराद इससे ये है कि जिंदा मोजात देख कर भी फिरौनी ईमान नहीं लाए थे तो क्या ये लोग ईमान ले आएंगे कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो मैं उसकी पैरवी कर लूंगा फिर अगर उन्होंने आपकी बात कबूल न की तो जान लीजिए कि बेशक ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं और इस उस, और उससे ज़्यादा गुमराह कौन है जो अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे बेशक अल्लाह कौम को हिदायत नहीं देता तो याद रखिए बगैर इल्म के सिर्फ नफ्स की बात मानना ये ख्वाहिश परस्ती कहलाता है यानी इल्म के बगैर इल्म नहीं है कि सही क्या गलत क्या सिर्फ वो कर लेना जो दिल चाहता और बहुत से लोग इस पर बड़ा फख्र करते हैं हम तो अपने दिल की सुनते हैं बस अपने दिल की सुनो दिल क्या कहता है हु? तो इल्म की रोशनी में अगर दिल की सुन रहे हैं तो वेल एंड गुड लेकिन इल्म के बगैर दिल की सुन रहे हैं तो हो सकता है कि शैतान ने वहां कब्जा किया हो और वो तुम्हें भटका दे और हमने इनके लिए पैदर पै अपना कलाम भेजा ताकि ये नसीहत हासिल करें यानी एक रसूल के बाद दूसरा रसूल एक किताब के बाद दूसरी किताब हम भेजते रहे और इस तरह मुसलसल लगातार हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहे तो अल्लाह लोगों तक यानी अल्लाह अल्लाह सुबहान का मकसद क्या था लोगों तक पैगाम पहुँचाने का ताकि लोग बुरे अंजाम से डर कर इन बातों से नसीहत पकड़ कर ईमान ले आएं और अपने आप को अजाब से महफूज़ कर लें अदीना तीन हमुलताब मिन कबली ही हम भी मिन वो लोग जिन्हें हमने इससे पहले किताब दी थी वो इस पर भी ईमान रखते हैं यानी जो अपनी किताब को मानते हैं उनमें से कुछ इसको भी मानते हैं वह इदा युतला अल कालु आमन्ना भी इन्ना मिन कुन्नाबली मुस्लिम और जब इन पर कुरान पढ़ा जाता है तो ये कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए हैं यकीनन ये हमारे रब की तरफ से हक है बेशक हम इससे पहले ही फर्मा बरदार थे यानी जब इनके सामने कुरान की तिलावत होती है तो वो ईमान ले आते हैं किस लिए वो समझ जाते हैं कि ये रब की तरफ से आया है और बिल्कुल हक है इन्ना कुन्ना मिन कबली ही मुस्लिम हम तो इससे पहले ही मुसलमान थे यानी इसको सुनते ही हम पहचान गए याद रखिए पहली उम्मतों का दीन भी इस्लाम ही था और तौरात और इंजील की बुनियादी तालीम भी वही थी जो कुरान की है तो उन उन लोगों ने क्या देखा कि यह तो वही है जो हम जिस पर हम ईमान लाए हैं आ, क्योंकि हमारे पास जो किताबें हैं उनमें भी यही बातें लिखी हुई हैं मिलता बी कुम इब्राहिम वसम मन कबल वफ़ी हाजा अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है इससे पहले भी और इस किताब में भी और ये कहना कि मुस्लिम सिर्फ उम्मत मोहम्मद का नाम है तो ये दुरुस्त नहीं यानी मुसलमान मुसलमान सिर्फ हम ही नहीं और कौन है मुसलमान जो भी अपने पैगंबर पर ईमान लाए और उसकी बातें मानते रहे उलाए का युतौना अजरहुम मर्रतैन अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरु व यदरऊन बिलहसनति सय्यात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून यही लोग हैं जो अपना अजर दो बार दिए जाएंगे उसके बद उस सबर के बदले जो उन्होंने किया और ये बुराई को भलाई के साथ दूर करते हैं और जो रिस्क हमने इन्हें दिया है उसमें से ये खर्च करते हैं इससे क्या पता चलता है कि अहले किताब में से जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए उनके लिए दोहरा अजर है अजरहुम और दूसरी बात यह पता चलती है कि बुराई करने वाले का जवाब अच्छे तरीके से देना चाहिए और ये लोग ऐसे ही हैं ये सच्चे ईमान वाले हैं कि इनके साथ कोई बुरा करे तो उस जवाबन बुराई नहीं करते बल्कि अच्छे तरीके से उस मामले को रफा दफा करते हैं और ये भी माना है कि अगर इनसे कोई बुराई हो जाए तो उसके बाद अमल कर लेते हैं ताकि पिछले बुराई के असरात खत्म हो जाए वह इदासमहद और जब ये कोई बेहूदा बात सुनते हैं तो इस और जब वो कोई बेहूदा बात सुनते हैं तो उससे एराज करते हैं और कहते हैं हमारे लिए हमारे आमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल तुम पर सलाम हो हम जाहलों से उलझना नहीं चाहते यानी मुनासिब बातों और बेवकूफ़ी की हरकतों पर हम जवाब नहीं देते कोई ऐसी हरकत नहीं करते कि जो हमारे अमल के लिए और तुम्हारे लिए मुश्किल का बायस बन जाए फिर इससे ये बात भी पता चलती है कि सलाम कमला जाहिलीन कि जो जाहिल शख्स बात को समझने की कोशिश ना करे उस शख्स से किनारा किया जाए यानी उसके साथ बहुत घुला मिलाना जाए तो यहाँ लान तगिल जाहलीन का मतलब क्या है कि हम जाहलों को चाहते ही नहीं ना दोस्ती के लिए ना झगड़े के लिए दोस्ती भी ना करो और झगड़ा भी ना करो अलैकुम ला नब तगिल

कि हिदायत देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है अगर नबी के इख्तियार में होता तो सबसे पहले वो अपने अजीजों प्यारों को हिदायत पर ले आता पैगम्बर का काम बता देना होता है अल्लाह की तरफ दावत देने वाला सिर्फ दावत देता चला जाता है वो लोगों को मजबूर नहीं करता और ये कहते हैं कि अगर हम आपके हमरा हक की पैरवी करें तो हम अपनी जमीन से उचक लिए जाएंगे क्या हमने इनको अमन वाले हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हर तरह के फल खिंचे चले आते हैं हमारी तरफ से बतौर रिस्क लेकिन इनके अक्सर कुछ इल्म नहीं रखते तो इसमें आप देखिए कि अगर चाहिए बहुत जुल्म कर रहे थे तरह तरह की खराबियां थीं इनके अंदर लेकिन इसके बावजूद इन्हें अमनो वमान भी मैसर था और हर तरह की नियमतें भी मयसर थी इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला उनकी बुराइयों और जुल्म को अप्रूव कर रहा था तो आज भी कुछ जालिमों के पास बहुत कुछ होता है इसका मतलब नहीं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है और मुसलमानों से अल्लाह राज़ी नहीं कि उनकी शामत आ गई है वकम अहलकना करीतन बकरत मईशतहा और कितनी ही बस्तियाँ हमने हलाक कर दीं जो अपनी मईशत पर इतराती थी अपने रिसोर्स पर अपनी इकनॉमिक कंडीशन पर बहुत इतराती थी बहुत खुश होती थी तो ये उनके घर हैं जिनमें उनके बाद बहुत कम लोग ही बसाए गए और हम ही वारिस हैं तो पिछली कौमें तरक्की याफ्ता होते हुए जब ईमान नहीं लाई तो उस वजह से वो तबाह बर्बाद हो गई कौम याद कितनी तरक्की याफ्ता थी कौम समूद कितनी तरक्की याफ्ता थी कौम फिरौन कितनी तरक्की याफ्ता थी आजकल कल बाज़ क्लिप्स ऐसे आए हुए हैं कि जिसमें Uh, की बनाई हुई जो इमारतें हैं जमीन के अंदर जितनी गहराई में जाती है तो इंसान देख के हैरान होता है इतने भारी भारी पत्थर ये लेकर कैसे गए तो ये उनको अपनी मीशत पे बड़ा मान था लेकिन ये उनके काम नहीं आई उनकी इमारतें उनको फायदा ना दी वो कम अहलकना करियत बकर और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी, जो अपनी मीशत पर इतराती थीं, तो ये उनके घर हैं जिनमें उनके बाद बहुत कम लोग ही बसाए गए और हम ही वारिस हैं यानी पिछली कौमों के माल दौलत का कोई भी वारिस ना बना सारी की सारी तबाह हो गई यानी उन्हें अपने माल दौलत पर मान था अजाब आया तो वही सारा बर्बाद हुआ कुछ भी नहीं बचा और अल्लाह इससे बेनियाज है वकन्ना नहनवारिसन यानी उनके वारिस हम बने और हर चीज के वारिस हमेशा कम ही होते व का न रब्बू का महलिकल कुर्रा हता यब असफ़ी उमिहा रसूला और आप कर किसी बस्ती को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक उनके मरकज में कोई रसूल न भेज दे जो उन पर हमारी आयात पड़ता हो और हम बस्तियों को तभी हलाक करते हैं जब उनके रहने वाले ाल हो जाए तो जुल्म से हमेशा बचना चाहिए जुल्म से घर बर्बाद हो जाते हैं जुल्म से जिंदगियां मुसीबत का शिकार हो जाती हैं तो किसी की भी जान माल इज्जत पर कोई हाथ नहीं उठाना चाहिए अगर किसी ने चोरी की ना हो और उसको चोर कह दिया जाए तो आप सोचिए कि उसका नतीजा फिर क्या होगा अल्लाह कितनी बुरी यह बात लगेगी और यहाँ और यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह सुबहान बस्तियों के बारे में फ़रमा रहे हैं और आप कर किसी बस्ती को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक उनके मरकज में कोई रसूल न भेज दे यानी कोई बताने वाला समझाने वाला जो उन पर हमारी आयात पड़ता हो तो इससे क्या पता चलता है कि समझाने के लिए क्या इस्तेमाल करो आयात क़ुरान की आयात सुनाओ और हम बस्तियों को तभी हलाक करते हैं जब उसके रहने वाले ाल जब उनके रहने वाले जालिम हो जाए यानी यहाँ अल्लाह ताला ने नाफ़रमान बस्तियों को हलाक करने का उसूल बता दिया है कि अल्लाह ताला ताखीर क्यों करता है और फिर किसको बर्बाद करता है जो अपने जुल्म और सरकशी की इंतहा को पहुँच जाए व मा ऊती तुम मिन शईन फमता हयात दुनिया वजी नमा इन दल्ला ही खैरू व अबका अफलाता और जो कुछ भी तुम दिए गए हो वो तो दुनिया की जिंदगी का सामान है और उसकी रौनक है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाला है क्या फिर तुम अक़ल से काम नहीं लेते यानी कुफ़ार मक्का जो थे वो अपनी दुनिया के नुकसान के ख़तरे की वजह से ईमान नहीं लाते थे कि अगर हम आप पर ईमान ले आएंगे तो हम तो अरब से कट जाएंगे और हमारी तिजारत ख़त्म हो जाएगी और हमारी इकॉनमी डाउन हो जाएगी तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया जो भी कोई चीज़ तुम दिए गए हो तो वो उस दुनिया की ज़िंदगी का सामान है आगे नहीं लेके जाओगे तुम्हें ईमान के साथ अपनी अगली आखरत की तैयारी भी करनी है और तुम्हारे पास दुनिया में जितना कुछ भी है वो बिल आखिर ख़त्म हो जाएगा या तुम ख़त्म हो जाओगे लेकिन आखिरत का सामान हमेशा बाकी रहने वाला है पुराना भी नहीं होगा तो अक्लमंद शख्स जो है वो बेहतर चीज़ को और बाकी रहने वाली चीज़ को फ़ानी चीज़ पर तरजीह देता है क्योंकि दुनिया का सामान आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता वो बात आपको याद रही कि जो मैंने कही थी कि आ, हर चीज़ को इस नज़र से देखें कि अल्लाह की है मेरी नहीं है और फिर उसके बाद अपनी कैफियत को देखें फिर आपके लिए देना भी आसान हो जाएगा क्या वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया फिर वो उसको पा लेने वाला है उस शख्स की तरह हो सकता है जिसे हमने दुनिया की जिंदगी का कुछ सामान दिया फिर वो क़्यामत के दिन हाजिर किए जाने वालों में से होगा यानी मोमिन और काफिर की जिंदगी बराबर नहीं हो सकती यहाँ दो जिंदगीों का मुवाना किया गया है और सवाल की सूरत में सोचने की दावत दी गई है कि क्या ये बराबर हो सकते हैं दोनों बराबर नहीं हो सकते तो तुम दुनिया के फायदे के लिए रसूल की पैरवी क्यों छोड़ रहे हो यानी एक से अल्लाह ने वादन हसन किया जन्नत का वादा और दूसरे से अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी में फ़ायदा पहुंचाने का वा, वादा किया है तो खसारे में कौन है और कामयाब कौन है ख़सारे में वो है जिसके पास सिर्फ मताय हयात दुनिया है और कामयाब वो है जिसके पास हसन है जन्नत का रिस्क है शुरुराज अमून और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा फिर फरमाएगा कहाँ है वो जिन्हें तुम मेरे शरीक गुमान करते थे वो लोग जिन पर अजाब की बात साबित हो गई वो कहेंगे ऐ हमारे रब यही वो लोग हैं जिन्हें हमने गुमराह किया था हमने उन्हें इसी तरह गुमराह किया जैसे हम गुमराह हुए थे हम तेरे सामने इनसे इजहार बरात करते हैं ये हमारी इबादत तो नहीं किया करते थे यानी क्यामत के दिन श्रका अपने शरीकों के खिलाफ गवाही देंगे कि इन्होंने अपनी मर्जी से हमारी पैरवी की हमने नहीं मजबूर किया था यानी अपने आप को उनकी गुमराही की जिम्मेदारी से बड़ी करार दे देंगे वकील काम फलमयूलाम और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को पुकारो तो वो उन्हें पुकारेंगे मगर वो उन्हें जवाब तक न देंगे और ये अजाब को देख लेंगे तो आजू करेंगे काश के ये हिदायत पा जाते लेकिन उस वक्त तो फिर वक्त गुजर चुका होता है और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा फिर पूछेगा कि तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था यानी नबोबत के बारे में सवाल होगा और ये भी कहा जाता है कि ये क़बर में सवाल होगा पहला सवाल जो था वो तोहीद से मुतलिक था तो हर क़बर में हर इंसान से तीन बातें पूछी जाएंगी रब के बारे में नबी के बारे में और दीन के बारे में माँ दीनों का या दूसरी रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो उस दिन की तमाम उस दिन तमाम खबरें उन पर मख् हो जाएंगी, चुनाचे वो एक दूसरे से सवाल तक ना कर सकेंगे कोई किसी को कंसल्ट नहीं कर सकेगा किसी से मदद नहीं ले सकेगा किसी को अपने दिल का हाल नहीं सुना सकेगा और किसी को समझ भी नहीं आएगी अगर कोई पूछे भी तो किसी को समझ ही नहीं आएगी कि जवाब क्या दें और ये वजह भी हो सकती है कि दहशत इतनी होगी कि कोई दम नहीं मारेगा और काफिर जो है वो न, मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में भी कहेंगे हाँ हाँ ला अदरी मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता मैं नहीं जानता ये सब कुछ क्या है इस, इस से ये बात भी पता चलती है कि क्यामत के दिन कुफार पर कुछ आसान मरहले भी आएंगे जिसमें वो बातचीत की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे वह अकबल अबाद होमअलाबादा अलून भी आता है व अमांताबा अमन वमिलहन वसाफलिन्न तो रहा वो शख्स जिसने तोबा कर ली और ईमान ले आया और नेक कमल किए तो उम्मीद है कि वो फ़लाह पाने वालों में से होगा तोबा करके नकमल करने वाले ही फ़लाह पाने वाले हैं वो रब्बू का यखलुकुमा यशा व यख्तार और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और मंतखब कर लेता है इनके लिए कोई इख्तियार नहीं है अल्लाह पाक और बुलंदर है उससे जिसे वो शरीक ठहराते हैं तो बंदों के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो लोगों को अल्लाह ताला की सिफात का इख्तियार दे दें तो मश्रक के पास ये इख्तियार कहाँ से आ गया कि वो रब ताला के बंदों को ही रब ताला के इखियारा का मालिक बनवा दें और आपका रब सब जानता है जो कुछ उनके सीने छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं यानी खुले छुपे हर तरह के मामला अल्लाह के इल्म में है إِلَّهَ إِلَّهُ ही है, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं दुनिया और आखिरत में तमाम तारीफे और उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे कह दीजिए क्या गौर किया तुमने अगर अल्लाह तुम पर क्यामत के दिन तक दायवी रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन मबूद है जो तुम्हारे पास कोई रोशनी ले आए क्या फिर तुम सुनते नहीं हो अगर किसी दिन आप सुबह उठे और दिन ही ना चढ़ा हो रात ही रात चलती चली जा रही हो तो तबीयत में कैसी घबराहट पैदा हो जाएगी कि हो क्या गया है? कह दीजिए क्या गौर किया तुमने अगर अल्लाह तुम पर क्यामत के दिन तक दायमी दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम पर रात को ले आए कि तुम उसमें सुकून पा सको क्या फिर तुम देखते नहीं हो यहाँ अल्लाह ताला फिर कुछ कायनात की निशानियां दिखाकर हमसे कुछ मन कुछ कहना चाहते हैं और मनवाना चाहते हैं दिन रात का एक्सपीरियंस हमें हर रोज होता है ना तो ये ऐसी चीज़ है कि जो किसी से भी छुपी हुई नहीं हर कोई मुशाहिदा कर सकता है और इस मुशाहिदे पर अगर गौर करें तो अल्लाह को पा सकता है वबीर रहमते हि जअललकुमुल लैला वन्नहारा लितसकुनु फी और उसी की रहमत में से है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया कि तुम उसमें सुकून पाओ और ताकि तुम उसमें, उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो यानी दिन और रात का निजाम इसलिए है ताकि बंदा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे अगर आप सुबह शाम के اذکار पढ़ते हैं तो जरूर आप उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं उन नेमतों पर जो आपको मिली है और और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा फिर पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम दावा किया करते थे यानी बार बार ऐसी बात क्यों कही जाएगी उनको उनको जलील करने के लिए करने के लिए उनके की बेबसी दिखाने के लिए और ये अंजाम यानी उन सब के साथ होगा जो इनकार करने वाले हैं वह नजाना कुल्ली उम्मत इन शहीदा और हम हर उम्मत में से गवाह निकाल लाएंगे फिर हम कहेंगे अपनी दलील पेश करो तो ये जान लेंगे कि बेशक हक अल्लाह ही के लिए है और वो इनसे और इनसे वो सब गुम हो जाएंगे जो ये घड़ा करते थे अभी दुनिया में अगर नहीं पता चल रहा तो क्यामत के दिन हर मशरक को पता चल जाएगा कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह ही है क्योंकि दूसरे शरीक तो ना वहां होंगे और ना कोई काम आएंगे इन न कारू न कान कौम मूसा बेशक कारून मूसा की कौम में से था मगर उसने उन पर सरकशी की और हमने उसे इस क़दर ख़जाने अता किए थे कि उनकी कुंजियाँ एक कु्वत वाली जमात पर भारी होती थी अंदाजा लगाई कि एक लॉकर के अंदर क्या कुछ नहीं आता और वो सिर्फ चाबियाँ थी जो ऊँट के बोझ के बराबर थी और वो यानी कि एक जगह शायद नहीं रखता था तो आप सोचिए कि किस कदर ख़जाने थे उसके पास जब उसकी कौम ने उससे कहा इतराओ मत बेशक अल्लाह इतराने वाले को इतराने वालों को पसंद नहीं करता याद रखिए कानून बनी इसराइल में से था बहुत ज्यादा माल और दौलत पाने की वजह से फिर का साथी बन गया क्योंकि जिन लोगों के पास दौलत आ जाती है ना तो फिर वो क्या चाहते हैं कि उनका सोसाइटी के अंदर कुछ और भी इन्फ्लुएंस हो लिहाजा वो बड़े लोगों के साथ रबते करते हैं और उनकी बजलिस में उठने बैठने लगते हैं तो चाहे मजहब कोई भी हो दीन कोई भी हो तो यहाँ पर आप देखें कि था तो वो मुसलमान ही सो so कॉल्ड लेकिन दोस्ती फिर के साथ थी और बाज मुफसरीन कहते हैं कि ये तौरात का हाफिज था और बहुत खूबसूरत आवाज़ से पड़ता था मगर अंदर से मुनाफिक था लेकिन अल्लाह अल्लाह जानता है क्योंकि तौरात तो बाद में नाजिल हुई है हो सकता है कि जितना कुछ नाजिल हुआ बात हो उसकी तरफ इशारा हो तो कानून का कसूर क्या था इसके अंदर सरकशी आ गई थी फ बगा तो ज़ालिम लोग जो होते हैं ना उनको माल मिल जाए तो ये उनके लिए आजमाइश बन जाता है तो कानून को अल्लाह ताला ने बहुत सारा खजाना दिया था तो इससे सबक यह मिलता है कि नेमते मिलने पर इंसान को इतराना नहीं चाहिए वब्तगी فيما ataaka Allahu ad-daral akhirah और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है उससे आखिरत का घर हासिल करो और दुनिया में भी और दुनिया से भी अपना हिस्सा मत भूलो और एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है और ज़मीन में फसाद की ख़्वाहिश ना करो बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ने इंसान को जो कुछ दे रखा है माल है या औलाद है या और दीगर नियमते हैं उन सबको उन सब से इंसान तभी फायदा उठा सकता है जब उनका हक भी देता है वह अहसन कमा अहसन अल्लाई ये अहसन आहसन अल्लाई क्या है वो अम्बाल जिन पर सदकत वाजब हो जाते हैं और खास तौर पर उसे फसाद से रोका असल में इंसान के पास कितना भी माल हो तो माल जो है बेसिकली इंसान के लिए एक इम्तिहान हो जाता है उससे हिसाब भी होगा कि वो किस काम में इस्तेमाल कर रहा है उसको लेकिन अगर देखा जाए तो ढेरों माल का भी इंसान के अपनी ज़ात पर कितना हिस्सा बन जाता है बहुत थोड़ा इसीलिए आप देखें कि बहुत से जो लोग बहुत अमीर होते हैं बाजुकात वो माल को खर्च नहीं करते बस जमा रहता है और वो फिर मल्टीप्लाई होता रहता है लेकिन उन्हें जिंदगी गुजारने के मामूली तरीके भी पता नहीं होते तो आदमी का दुनिया में सिर्फ उतना ही हिस्सा है जो वो इस्तेमाल कर लेता है खा के या पहन के दिया गया हूँ जो मेरे पास है क्या उसे मालूम न था कि अल्लाह ने इससे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया था जो कुत में इससे ज्यादा और जमीयत में इससे बढ़कर थी और मुजरमों से उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा अब यहाँ कानून क्या कर रहा है कानून दौलत को अपने अपनी किस्मत का हिस्सा बता रहा है अपनी तरफ मंसूब कर रहा है असल में इंसान किसी भी तरीके से जो माल कमाता है वो इल्म और हुनर उसको किसने सिखाया होता है अल्लाह नहीं दिया होता है और इंसान का अगर ईमान हो तो इंसान के लिए दुनिया का माल नुकसान नहीं देता और अगर ईमान ना हो तो इल्म और हुनर और माल और दौलत हलाक होने से बचा नहीं सकता फिर वो अपनी पूरी जीनत में अपनी कौम के सामने निकला जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे ऐ काश हमारे लिए भी इसी की माने धोता जो कानून को दिया गया यकीन ये बड़े नस, ये बहुत बड़े नसीब वाला है कानून तकब्बर करते हुए अपने माल दौलत की नुमाइश करता था आज आप देखें क्या मुसलमानों के अंदर भी जो नुमाइश का कीड़ा भर गया है कि हर चीज़ का दिखावा दिखावा और उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए जाते हैं ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं क्योंकि अल्लाह सुबहान तौर शुक्र अदा करना चाह चाहता है हमसे कि हम का शुक्र अदा करें और जो नमत हमें मिली है उसमें हम दूसरों को शरीक करें ना कि हम दिखा दिखा के उनको जलाएँ और उनको एहसास कमतरी में मुबला करें तो फिरओन अपनी दौलत के लिए फ़िर ओन भी अपनी दौलत के साथ और अपने सारे तमीरत के साथ सलाम और उनके साथियों को मरूब करना चाहता था और इसी तरह कानून भी तो दुनिया जाने वालों ने कानून जैसे खजाने की हसरत की कि हमें भी ये सब कुछ मिल जाए लेकिन जो ईमान वाले थे इल्म वाले थे उन्होंने क्या किया और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे अफसोस है तुम पर अल्लाह का सवाब बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे और ये उन्हीं को नसीब होता है जो सबर करने वाले हैं यानी ईमान के बदले में जो सवाब मिलेगा और जो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी वो इस माल से बहुत बेहतर है अब देखिए अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो, एक ये है कि दुनिया की दुनिया की कोई चीज़ मिलने वाली है और हम अपना पूरा वक्त उस पर लगा दें और एक ये कि हमें आखिरत मिलने वाली है और हम अपने वक्त का कुछ हिस्सा उस पर लगा दें तो अकन क्या चूज़ करेगा ठीक है दुनिया से दुनिया में से उतना काफ़ी है जिससे ज़रूरियात पूरी हो और बाकी जहाँ हमेशा रहना है उसके लिए भी कुछ करें क्योंकि उसके लिए भी यही कमाई करनी होगी हम दुनिया के फ्यूचर के लिए सेव करते रहते हैं लेकिन अपनी आखरत के लिए कुछ बचा के नहीं रखते लेकिन ये सब किसको हासिल होता है वला बरून ये सब्र करने वालों को ही मिलता है यानी हलाल तरीके से रिस्क कमाने पर सबर करने वालों को अल्लाह की तरफ से अजर भी मिलता है और फिर रिस्क भी मिल जाता है और यह भी याद रखिए कि दुनिया की तकालीफ पर सब्र करने पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सवाब देता है अगर कोई इंसान उन तकलीफ़ों पर कोई शिकवा शिकायत ना करे शिकवा होता है सामने वाले से और शिकायत होती है दूसरे को हम कहते हैं हम बड़ा सब्र करते हैं लेकिन जिससे तकलीफ पहुंचे उसे शिकवा भी कर देते हैं और दूसरों के सामने जाके उसकी शिकायत भी करते हैं। यानी ये हो नहीं सकता कि किसी से आपको तकलीफ़ पहुंचे और फिर आप उसका ज़िक्र किसी से ना करें और पी जाएं यह है सबर इमेजिन करें किसी ने आपको बहुत दुखाया बहुत दिल दुखाया आपका और आपने सब्र का घूंट पी लिया फिर आपको अपना कोई हमदर्द नज़र आया आपका क्या दिल चाहा कि मैं इसके सामने सारी कहानी बयान कर दूं लेकिन आप क्या करते हैं तो फायदा कुछ नहीं हो ये जो अपने अंदर ही रख जाते हैं ना नहीं करते यही सब्र है और अगर उससे शिकायत कर उससे शिकायत कर उससे शिकायत कर हाँ मशवरा आप ले सकते हैं किसी से भी लेकिन शिकायतें नहीं मशवरा लेने में ये है कि ये सिचुएशन है इसमें ये मुश्किल है इसमें क्या करना चाहिए और शिकायत ये है कि इंसान उस शख्स को टारगेट कर ले जिससे उसको तकलीफ पहुंची ये तो है ही ऐसा और ये तो बार बार ऐसे कहता है और ये तो हर वक्त मुझे सताता है और क्या उस इन शिकायतों से मसाइल हल हो गए दुआ करने में दुआ करने का हमारे पास वक्त नहीं है सदका खैरात करने का हमारे पास वक्त नहीं है अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने का वक्त नहीं है लोगों की खिदमत का वक्त नहीं है और शिक्व शिकायतों में घंटों ज़ाया कर देते हैं चाहे बोल के करें या लिख के करें तो हुआ क्या फिर तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया फिर ना उसके लिए कोई ऐसी जमात थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती और ना ही वो खुद अपना दिफा करने वालों में से था तो अल्लाह ताला ने कारून को उसके ख़जाने समेत ज़मीन में धंसा दिया वो सारी कुंजियां और माल और दौलत हर चीज़ समेत अंदर चला गया ज़मीन में धंस गया हदीस में आता है एक आदमी अपनी चादर तकबर से घसीटता जा रहा था तो इसी हालत में उसे ज़मीन में धंसा दिया गया और वो क्यामत के दिन तक जमीन में धंसता चला जा रहा है और जो लोग कल इसके मकाम की तमन्ना कर रहे थे कि हमें भी ये मिलता, मिलता जो कानून को मिला है अब कहने लगे कहने लगे अफसोस अब पता चला कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता है अगर, अगर अल्लाह हम परेशान न करता तो हमें भी जमीन में धंसा देता अफसोस के काफिर कभी फलाह नहीं पाते याद रखिए रिस्क का ज्यादा या कम होना अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ़ है अल्लाह को पता है किसको ज्यादा देना और किसको कम और किसको कब तक कम देना और फिर ज्यादा कर देना है उसके लिए इस्बाब पैदा कर देने हैं और ये बात तो अपने दिल में बिठा लीजिए कि मालो दौलत की कमी या ज्यादती अल्लाह की नाराजगी या रजा की दलील नहीं है क्योंकि हमने मालो दौलत की कसरत से अल्लाह की रजा को मरबूत कर लिया है अल्लाह के राजी होने की अलामत सिर्फ ईमान और अमल साले में आगे निकलने की दौलत है अल्लाह हदीस में आता है अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे अखलाक इसी तरह तकसीम किए हैं जिस तरह उसने तुम्हारे रिस्क तकसीम किए हैं और अल्लाह माल उसे भी देता है जिससे मोहब्बत करता है और उसे भी जिससे मोहब्बत नहीं करता उसको भी माल देता है मगर ईमान उसके सिवा किसी को नहीं देता जिससे वो मोहब्बत करता तो अगर ईमान में इजाफा होता चला जाए तो समझें कि ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है तो अल्हम्दुलिल्लाह कारून का अंजाम देखकर लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्लाह ने उनको रुझू की तोफीक बख्शी और ये भी कमी लोग होते हैं कि जो किसी चीज़ को देख कर सबक सीखे किसी और के अंजाम से सबक लें इबरत लें तिलकारतुभ वमतिन आखरत का ये घर हम उन्हीं लोगों के लिए बना देंगे जो ज़मीन में बुलंदी और फसाद नहीं चाहते और अच्छा अंजाम तो मुतकी लोगों के लिए ही है हैलुभ का मतलब होता है ऊँचा होना अपने आप को दूसरों से बढ़ा समझना अच्छा समझना और फसाद से मुराद अल्लाह के रसूल की ना अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है कोई भी हो क्योंकि इसी से जमीन में खराबी पैदा होती है और सबसे बड़ा फसाद तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है। तो हैफहूम क्या आयत का कि आखिरत के घर में फिरौन और कानून और इन जैसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं चाहे वो दुनिया में बहुत एफ थे बहुत इन्फ्लुन्शल्स थे क्योंकि इनकी ज़िंदगियों में उलूब था तकबर था और फसाद था तो अल्लाह ताला को फखर और तकबर हरगज़ पसंद नहीं मन जा अबिलह हसनफल खरुम बिन हा जो कोई नेकी लेकर आया उसके लिए उससे बेहतर बदला है और जो कोई बुराई लाया तो जिन्होंने बुरेमल किए वो अपने किए का बदला पाएंगे इन लजीफरदल कुरान बेशक वजात जिसने आप पर कुरआन फ़र्ज किया है वो जरूर आपको लौटने की बेहतरीन जगह की तरफ फेर ले जाने वाला है कह दीजिए मेरा रब खूब जानता है उसको जो हिदायत लेकर आया और उसे भी जो खुली गुमराही में मुबतला हैज़ी फरद आलईकल कुरआन यानी फ़र्ज़ करने से मुराद ये है कि जिस रब ने आपको क़ुरान दिया कि आप इसे लोगों तक पहुँचाएँ तमाम दुनिया के लोगों तक पहुँचाएँ और इस पर अमल करें वो आपको अपनी मंजिल तक भी पहुँचाएगा यानी इशारा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि, तरफ कि तरफ दुनिया में भी अजीम शान अंजाम की तरफ़ लौटेंगे आप यानी मक्का फ़तह हो जाएगा खुशखबरी दी जा रही है ऐसे हालात में जब दूर दूर उसके आसार नहीं थे तो हिजरत के आठवें साल अल्लाह का ये वादा पूरा हो गया आप शाहान आप फातहाना शान से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और आखिरत में अजीम शान अंजाम से मुराद मकाम महमूद है वो भी अल्लाह ताला आपको अता करेगा लरा दुका अल्लाह कितनी खूबसूरत बात है ना अल्लाह ने आपको ये जिम्मेदारी दी है आपने खुद तो नहीं मांगी थी अल्लाह ने आपको चुना और आप पर यह बोझ डाला नबूबत का और आपने उसको ख़ूब निभाया फिर अल्लाह ताला ने ही तसल्ली भी दी और अल्लाह ताला ने अच्छा अंजाम भी दिखाया। याद रखिए बाजुकात कुछ नेकियाँ बड़ी मुश्किल हो जाती हैं लेकिन इंसान अगर उनको अल्लाह की तरफ से आई आया हुआ फ़ैसला समझ कर कबूल कर ले और उसको कर डाले मुश्किल के बावजूद तो इन नवा उसरा तंगी के साथ आसानी भी है उसका अच्छा अंजाम उसका अच्छा नतीजा भी आपको मिलेगा मसला कोई शख्स आप पर म करता है और आप बदले में एहसान करते हैं कोई आसान नहीं है यानी जुल्म के बदले में एहसान आसान नहीं है लेकिन आप क्यों करते हैं इसका बदला मुझे अल्लाह से चाहिए नतीजा क्या निकलता है दुनिया में वो इंसान भी ठीक हो जाता है वो जुल्म करना छोड़ देता है और आख़रत का अजर तो बेहिसाब बे है सबर करने वालों के लिए क्योंकि ये काम सब्र के बग़ैर नहीं हो सकता कि जो हमारे साथ अच्छा ना करें हम उससे अच्छा करें और आप तो उम्मीद भी ना रखते थे कि कभी आपकी तरफ किताब इल्का की जाएगी मगर ये सरासर आपके रब की रहमत है बस आप काफिरों के मददगार हरगिज़ ना बने और ये लोग आपको अल्लाह की आयत से हरगिज रोकने ना पाए इसके बाद कि वो आपकी तरफ नाजिल की गई और आप अपने रब की तरफ दावत देते रहें और हरग शर्क करने वालों में से ना हो और अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना पुकारें उसके सिवा कोई माबूद नहीं उसके चेहरे के सिवा हर चीज हलाक होने वाली है हुकूमत उसी की है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे सूरतबूत बिस्मिल्ला احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين बसमिल्लर अलिफ्लामी अहस बन्ना सूतरकुकूलू आमन्ना वहफ्तनून क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए हैं और वो आज़माए ना जाएंगे ईमान लाकर आज़माइश आनी ही आनी है ईमान लाने पर इम्तहान तो होगा ही टेस्ट होगा और जितना मजबूत ईमान होगा उतनी ही बड़ी आजमाइश होगी हालांकि हमने उन लोगों को भी आजमाया था जो इनसे पहले थे बस अल्लाह जरूर जांच लेगा उन लोगों को जिन्होंने सच कहा और वो झूठों को भी जरूर जान लेगा इन्हीं आजमाइश का मकसद क्या है कि सच्चे और झूठ सच और झूठ में फर्क कर लिया जाए कौन सच्चा और कौन झूठा है किसका ईमान सच्चा है या वो लोग जो बुरे काम कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमसे भाग निकलेंगे कितना बुरा फैसला है जो ये कर रहे हैं यानी मोमिनों की आजमाइश देख कर काफिर अगर ये गुमान कर लें कि वो बच जाएंगे तो ये सरासर धोखे की बात है मोमिन की आजमाइश तो दरअसल उसके दर्जात की बुलंदी का जरिया है जो कोई अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो वो जान ले कि बेशक अल्लाह का मुकर करता वक्त जरूर आने वाला है और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है तो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखने वालों के लिए खुशखबरी है कि चंद दिन आजमाइश पर सब्र कर ले, एक दिन तो अपने रब के सामने जा खड़े होना है और जब तक अल्लाह ने मोहलत दी है उसमें रब को राज़ी करने वाले काम कर लिए जाएं ओ मन जाहद फयन्ना मा युजाहिदु लिनफसी इन्ल्लाहु लघनीुननिल आलमीन और जो कोई मुजाहदा करता है तो बेशक वो अपने ही लिए करता है बेशक अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है मोमिन को अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने के लिए बहुत सी चीजों के मुकाबले में सख्त मेहनत करनी पड़ती है जद्दजहद करनी पड़ती पहले तो उनको जानने में मेहनत करनी पड़ती फिर उस पर अमल करने का तरीक़ा सीखा जाता है फिर अमल करने में जो वक्त लगता है जो एफर्ट लगती है इन सब के अंदर एक मेहनत होती है तो जो मेहनत कर लेगा उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा क्योंकि अल्लाह तो तमाम जहान वालों से बेनियाज़ है और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हम उनसे उनकी बुराइयां ज़रूर दूर कर देंगे और हम उन्हें उनके आम, हम उन्हें उन आमाल का बेहतरीन बदला ज़रूर देंगे जो वो किया करते थे और हमने इंसान को ताकीद की कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करे और अगर वो तुम पर दबाव डालें कि तुम मेरे साथ उसे शरीक करो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं तो उनकी इतात मत करना तुम सबको मेरी ही तरफ लौटना है फिर मैं तुम्हें खबर दूंगा उसकी जो कुछ तुम किया करते थे तो ईमान और अमल साले के बाद वालदान के साथ उसने सलूक का हुक्म है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपनी औलाद को पालने और परवरिश करने में तकलीफ उठाते हैं लेकिन वालदान का हक अल्लाह के हक़ से कम है अगर वालदान अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे तो उनकी बात नहीं माननी यानी वालदान के कहने पर कोई हराम काम करना कोई शिरक करना कोई गलत काम करना कोई धोखा फ्रे फ़्रॉड करना दुरुस्त नहीं इसका इसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी ये नहीं कहना चाहिए इससे वालदेन का दिल टूट जाएगा तो इसलिए मुझे ये तो करना ही है नहीं तो बाज़ लोग कहते नहीं मेरा शौहर नहीं मानता इसलिए मुझे ये करना है तो ठीक है आप टाइम लें लेकिन ये इरादा तो करें कि आपने अल्लाह का हुक्म ज़रूर मानना है चाहे थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि एक है कि उसका उजर और बहाना बना लिया जाए और एक है कि इंसान वाकई करने के लिए जद्दोजहद कर रहा हो और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हम उन्हें ज़रूर नेक लोगों में शामिल कर देंगे जी हाँ क़यामत के दिन ईमान वाली औलाद मशरक़ वालदेन के साथ नहीं होगी वो किसके साथ होगी ईमान वालों के साथ याद रखिए वालदेन की अपनी औलाद के लिए दीनी मोहब्बत ही हकीकी मोहब्बत है आप अपने बच्चों के सही खैर खा जब ही हो सकते हैं जब आप उनको दीन से खा रहे हों क्योंकि क़ैमत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा सच्ची मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत क्या चाहती है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी आखिरत की फिक्र की जाए और क़यामत के दिन नेक लोगों के साथ की दुआ करनी चाहिए तवफ़नी मुस्लिम व अलहकनी बल्हीन और लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए फिर जब वो अल्लाह की राह में तकलीफ़ दिए जाते हैं तो लोगों के तकलीफ़ देने को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लेते हैं लोगों के तकलीफ़ देने को आपको अपने घर वालों से ही तकलीफ पहुंच रही होती है और अगर आपके रब की तरफ से कोई मदद आ जाए तो वो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ ही थे वो कहते हैं हम तो तुम्हारे ही साथ थे क्या भला अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं है जो जहान वालों के सीनों में है तो याद रखिए एक होती है लोगों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ़ और एक होती है अल्लाह ताला की तरफ़ से आने वाला अजाब इन दोनों में फ़र्क़ है अल्लाह की तरफ़ से आने वाला अजाब अल्लाह की नाराज़गी का नतीजा होता है और लोगों से मिलने वाली जो तकलीफ होती है वो सवाब का बायस होती है बंदों से जो हमें आजमाइशें बंदे बंदों के लिए जो आजमाइश बन जाते हैं उन उन पर अगर इंसान सब्र करता है तो उस पर अजर मिलता है तो अल्लाह के अजाब से बचने के लिए लोगों की बातों पर सब्र करना चाहिए और यकीन अल्लाह जरूर जानकर रहेगा उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और वो मुनाफिकों को भी जरूर मालूम करके रहेगा यानी आजमाइशें भेज कर ऐसे हालात पैदा करके जिनमें ये मुनाफिक अपने दिलों का हाल छुपा ना सकेंगे और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो ईमान वालों से कहते हैं तुम हमारे रास्ते की पैरवी करो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे हालांकि ये हरगिज़ उनके गुनाहों में से कोई चीज़ भी उठाने वाले नहीं बेशक ये बिल्कुल झूठे हैं क्योंकि क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा और वो अपने गुनाहों का बोझ भी ज़रूर उठाएँगे और अपने बोझों के साथ कई और बोझ भी यानी जिन, जिन को गुमराह किया होगा उन सबके गुनाह भी और वो क़यामत के रोज़ उसके बारे में ज़रूर पूछे जाएंगे जो झूठ वो घड़ा करते थे यानी लोग किसी का बोझ हल्का करने की बजाय अपना बोझ बारी कर रहे हैं नूला कौम ही और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा यानी अब आजमाइशों की बात करते हो तो देखो कि नूह सलाम पर कैसी कैसी आजमाइश आई और हमने नू सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें पचास कम हजार साल ठहरा रहा फिर उन्हें तूफान ने पकड़ लिया इस हाल में कि वो जालिम थे यहाँ उन पैगम्बरों का जिक्र आएगा जिन्होंने लंबा अरसा आज़माशों पर सबर किया फिर हमने उसे और कश्ती वालों को निजात दी और हमने उसको जहान वालों के लिए एक निशानी बना दिया और इब्राहिम का जिक्र करो उन पर भी बड़ी आज़माइश आई थी वही ज़िब तला इब्राहिम और अबू जब उसने अपनी कौम से कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो तुम अल्लाह को छोड़कर कुछ बुतों की इबादत कर रहे हो और तुम सरासर झूठ घड़ रहे हो बेशक अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए किसी रिस्क के मालिक नहीं हो सकते बस अल्लाह ही के पास रिस्क तलाश करो और उसी की इबादत करो और उसका शुक्र अदा करो उसी की तरफ तुम वापस पलटाए जाओगे और अगर तुम इस पैगाम को झुटलाते हो तो यकीन तुमसे पहले भी कई उम्मतों ने झुटलाया था और हमारे रसूल के जिम्मा तो सिर्फ पैगाम तो सिर्फ वाज तौर पर पैगाम पहुँचा देना है यानी किसी के मानने या ना मानने की जिम्मेदारी रसूल पर नहीं है क्या इन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह किस तरह मखलूक की इब्तदा करता है फिर वही उसका अदा करेगा बेशक ये तो अल्लाह पर बहुत ही आसान है यानी दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है कह दीजिए जमीन में चलो फिरो फिर देखो उसने किस तरह खल की इब्तदा की थी फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा कर देगा बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है यानी अपनी ज़ात के अलावा आफाक की निशानियों पर भी गौर करो अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ अल्लाह ये सारी निशानियां अल्लाह की कुदरत को जाहिर करती हैं युबैशा हमैशा वह इले ही तो क्लबून वो जिसे चाहेगा अजाब देगा और जिस पर चाहेगा रहम फरमाएगा और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे इन क़यामत के दिन लोगों को जिंदा करके उनके दरमियान फैसला करेगा और न तुम जमीन में अल्लाह को आजिश करने वाले हो ना आसमान में और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार और अगर हो भी तो अल्लाह के मुकाबले में कौन काम आ सकता है और जिन लोगों ने अल्लाह की आयत और उसकी मुलाकात का इनकार किया वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और यही लोग हैं जिनके लिए दर्द अजाब है दुनिया में अल्लाह की रहमत आम है इसी बिना पर अल्लाह काफ़िर, मोमिन मुनाफिक मुखलिस नेक बद सब सबको फ़ायदा पहुंचा रहा है सबको दुनिया के वसायल और आसाइशें और मालो दौलत अता कर रहा है लेकिन आखिरत में वही मिलेगा जो दुनिया में बोया होगा फलाह का हमने पढ़ा था ना फलाह कामयाबी को कहते हैं कि आप किसान जो बीज डालता है जैसा जिस क्वालिटी का वैसा ही पौधा निकलता है हम भी इस दुनिया में दुनिया मज़रा तो लाखरा ये दुनिया आखरत की खेती है इसमें अमल के जैसे बीज डालेंगे कल के आमद को वैसे ही वैसे ही पैदावार सामने आएगी कुछ और नहीं आएगा अपना ही किया हुआ सामने आएगा फिर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि वो कहने लगे कि इसे कत्ल कर दो या इसे जला डालो तो अल्लाह ने उसे उस आग से निजात दे दी बेशक इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं और इब्राहिम ने कहा तुमने अल्लाह को छोड़कर कुछ बुतों को दुनिया की जिंदगी में अपनी आपस की मोहब्बत का जरिया बना लिया है क़यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और तुम्हारे लिए कोई मददगार न होंगे मतलब यह है कि दुनिया में लोगों की मोहब्बतें किसी खास वजह से होती हैं दुनिया वालों की आपस की मोहब्बत और दोस्ती दुनिया की वजह से होती है जब दुनिया निकल जाती है तो दुनिया में भी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं जब इंसान पर बुरे हालात आते हैं इला माशा इसलिए दुनिया में जिसने बुतों की वजह से या किसी गलत आइडियालो की वजह से आइडियालोजी की वजह से एक दूसरे के साथ कोई ताउन किया है तो आखिरत में उसका कोई फायदा नहीं होगा वो दुनिया वो दु, दु, दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाएंगी दुनिया में तो तान करते हैं ना एक दूसरे से बुराई के कामों पर वहाँ नहीं वहाँ कोई ताउन नहीं करेगा जहनम से निकलने पर अच्छा तो मेरे सर पर पाँव रख के निकल जाओ बाहर कोई ऐसा नहीं करेगा और हो भी नहीं सकता इसके बरक्स जो लोग अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं नेकी की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत न सिर्फ़ ये कि दुनिया में काम आती है क्योंकि ऐसे शख्स ऐसे लोग एक दूसरे के लिए इंतहाई बेगर्ज और मुखलस होते हैं वो एक दूसरे के साथ भलाई इसलिए नहीं करते कि उन्हें उनसे कोई रिवार्ड चाहिए होता है नहीं वो सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं तो यहां पर इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारी किसी से भी मोहब्बत किस बिना पर है क्यों है क्या यह मोहब्बत हमें आखिरत में फायदा देगी या नहीं देगी तो इब्राहिम ने आग से निकलने के बाद भी लोगों को समझाया कि याद रखो दुनियावी दोस्तियां शदीद दुश्मनी में बदल जाएंगी अलअिल्लायम बादहुम अदलिदेन अदब मुतकीन और क्यामत के दिन यही लोग एक दूसरे के लिए दुगने अजाब की दुआएं करेंगे और शर का इल्जाम दूसरों पर धरेंगे और आपस में एक दूसरे से नफरत करेंगे फिर लूत उस पर ईमान ले आया और इब्राहिम ने कहा मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ बिला शुबा वो बहुत जबरदस्त खूब हमत वाला है और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किए और हमने उसे और हमने उसकी औलाद में नब्बत और किताब रख दी और हमने उसे उसका अजर दुनिया में भी अता किया और आख़रत में यक़ीन वो नेक लोगों में से होगा सुबह अल्लाह यानी जो शख्स दुनिया में अल्लाह की खातिर तकलीफ़ों पर सब्र कर जाता है उसको दुनिया में भी अच्छे हालात मिलते अच्छी नेमतें मिलती हैं और आखिरत का अजर तो है ही तो उनको यानी अल्लाह नेमतें गिनवा रहे हैं इसहाक और याकूब अता किए उनकी औलाद में नबूवत और किताब रख दी दुनिया में भी और भी अजर अता किए और बेवतनी के में, फ़लस्तीन में उनको ठिकाना दिया मालूमता नहीं था मालामाल कर दिया अचानक आने वाले मेहमानों के लिए बछड़ा भुना हुआ ले आए इज्जत इतनी कि क़्यामत तक उन पर दुरूद पड़ा जाएगा अपनी कौम में बेनाम थे वो यक़ाल इब्राहिम अल्लाह ताला ने त्यामत तक के लिए लसाना सिफ़ कता की जो शख्स अल्लाह की खातिर कुछ भी छोड़ देता है अल्लाह की खातिर अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज़ ज़रूर देता है ये यक़ीन रखिए बात चीज़ें हराम होती हैं गलत होती हैं गलत दोस्तियाँ है, हराम दोस्तियाँ हराम काम गुनाह के काम तो अल्लाह सब्बाना तौला का वादा है कि वो अच्छी चीज़ से बदल कर देगा और लूत का ज़िक्र करो जब उसने अपनी कौम से कहा बेशक तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जिससे जिसे, जिसे तुमसे पहले जहान वालों में से किसी एक ने भी नहीं किया यानी ये बुराई उसी दौर में शुरू हुई क्या तुम मर्दों के पास आते हो और रास्ता काटते हो यानी मुसाफिरों को लूटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो तो उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था के, कह, के कहने लगे ले आओ हम पर अल्लाह का आज़ाब अगर तुम सच्चों में से हो उसने कहा ऐ मेरे रब इन मुफ्द लोगों के मुकाबले पर मेरी मदद फरमा रब बिन सरनीकोमिलमुफीन तो इस तरह सलाम कौम के ईमान लाने से मायूस हो गए लिहाजा अल्लाह का वादा आ गया और जब हमारे भेजे हुए इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने कहा हम उस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं बेशक उसके रहने वाले जालिम हैं उसने कहा उसमें तो लूत है वो कहने लगे जो कोई भी उसमें है हम उसे खूब जानते हैं यकीनन हम उसे और उसके घर वालों को निजात देंगे सिवाय उसकी बीवी के वो पीछे रह जाने वालों में से है इससे पता चलता है कि नेक से नेक इंसान की बीवी अगर नेकी नहीं करती तो क़्यामत के दिन वो उसकी बीवी नहीं होगी और जब हमारे भेजे हुए लूत के पास आए वो उनकी वजह से परेशान हुआ और दिल में उनसे तंग हुआ और उन्होंने कहा न तुम डरो और न गम करो बेशक हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को निजात देने वाले हैं सिवाय तुम्हारी बीवी के वो पीछे रह जाने वालों में से है बेशक हम इस बस्ती पर बेशक हम इस बस्ती वालों पर इनकी नाफ़रमानियों की वजह से आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं इस मुराद वही अजाब है जिससे कौम लूत को तबाह किया गया हलाक किया गया कहते हैं कि इब्राहिम के सलाम ने पर का कोना ही मारा कि पूरी बस्ती को जड़ समेत उखे... उखेड़ कर आसमान तक ले गए और वहाँ से पटक के दे दे मारा और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई और उस जगह को सख्त बदबूदार झील में तब्दील कर दिया गया और यकीन हमने बस्ती में उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं और यकीन हमने इस बस्ती में उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं एक वाज निशानी छोड़ दी कुफारे मक्का इन बस्तियों को आते जाते देखते थे अपने बिजनेस ट्रिप्स पर और मदियन की तरफ उनके भाई शब को भेजा उसने कहा अमेरी कौम अल्लाह की इबादत करो और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो और जमीन में मुफ्सत बनकर बिगाड़ पैदा न करो मगर उन्होंने उसे झुटला दिया तो उन्हें एक जलजले ने पकड़ लिया फिर उन्होंने अपने घरों में इस हाल में सुबह की कि वो ऊंधे मुंह गिरे हुए थे और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया और यकीनन उनके घरों में और यकीनन उनके घरों से उनकी हलाकत तुम पर वाजे हो गई यानी आसार क़दीमा अब तक बाकी है और शैतान ने उनके आमाल उनके लिए मुजय कर दिए बस उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया हालांकि ये बहुत समझदार लोग थे यानी शहर और आबादियाँ लोग तो तबाह हो चुके थे लेकिन आसार अब भी बाकी हैं और ये जो आता ना वह कानू मु के बड़े ज़ीरक होशियार समझदार लोग थे दुनियावी मामलत में और अक्सरियत का हाल ये होता है जैसे सूरत रूम में आता है वलाकिन अक्सर ना सिला यामून यालमून ज़ाहिर हयात दुनिया वह अन आख़िरत हम फ़िलूँ और और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते वो दुनिया की ज़िंदगी में से ज़ाहिर को बस जानते हैं दुनिया का इल्म खूब है उनके पास और आखिरत से वही गाफिल हैं यानी हक को जान लेने के बाद भी अपनी लज्जतें नहीं छोड़ पाते वकारून व फिर ओन व हामान और कारून फिर ओन और हामान को भी हमने हलाक किया और बिला शुबा मूसा उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे फिर भी उन्होंने जमीन में तकबर किया और ये हमसे बचकर भाग न सकते थे यानी यहां पर पह, पहली अकाबर अशास का जिक्र किया जा रहा है कि जो अपने कुफर और तकबर की वजह से अपनी भी बर्बादी का बायस बने और अपनी कौम की बर्बादी का भी कानून दौलत की कसरत की वजह से फिर हुकूमत की वजह से हामान वज़ारत में तकबर की मिसाल था तो अल्लाह के अजाब से ये सब मुतकबरीन बच ना सके सब बर्बाद हुए फिर हर एक को हमने उसके गुनाह की वजह से पकड़ लिया तो इनमें से किसी पर हमने पत्थरों वाली आंधी भेजी और इनमें से किसी को चिंगार ने आ पकड़ा और इनमें से किसी को हमने जमीन में दसा दिया और इनमें से किसी को हमने ग़र्क कर दिया और अल्लाह ऐसा नहीं कि वो इन पर ज़ुल्म करे लेकिन ये खुद अपनी जानों पर ज़ुल्म करते थे जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा कुछ और कारसाज बना रखे हैं उनकी विशाल मकड़ी की मिसाल की तरह है जिसने एक घर बना लिया और बेशक घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर होता है काश के ये जानते होते अल्लाह मिसाल दे के बाद बात समझा रहे हैं घर किस लिए बनता है इंसान को तो सर्दी गर्मी बारिश आंधी वग़ैरह से और वो दीगर नुकसानदेह चीज़ों से महफूज करे बचाए लेकिन मकड़ी का घर इसमें से कोई भी काम नहीं करता यानी ना उसे सर्दी से बचाता है ना गर्मी से ना बारिश से ना तूफ़ान से ना किसी अमला आवर से बल्कि इंतहाई पायदार होता है कि जरा सा हाथ छू भी जाए तो वो खत्म हो जाता है चिमट जाता है आपको और आप उसको तोड़ के ही उतारते हैं अपने ऊपर से तो ये पता चलता है कि अल्लाह के सिवा जितने भी सहारे हैं वो सारे मकड़ी के जाले की तरह सख्त कमजोर है कोई फायदा नहीं उनको सहारा बनाने का उनसे तब रखने का लेकिन हमें समझ क्यों नहीं आता हम समझते मशरकिन के लिए ठीक है मशरकिन के बात हो रही है लेकिन हम भी तो मुश्किल वक्त में अल्लाह को सहारा नहीं बनाते उससे दुआ कम करते हैं उसको राजी कम करते हैं हम सिर्फ असभा को देखते रहते हैं कि किसी तरह हमें हमारा मसला हल हो जाए अल्लाह की तरफ नहीं जाते उसको राजी नहीं करते उसकी इबादत नहीं करते इन आलमायदोन ही बहूल अजीज़ल हकीम बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है जिसे भी वो उसके सिवा पुकारते हैं जिसे भी वो उसके सिवा पुकारते हैं और वह बहुत ज़बरदस्त खूब हमत वाला है वतिल कलम थालबा लन्नास व मायाकलुहालिमून और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं मगर इन्हें सिर्फ इल्म रखने वाले ही समझते हैं और इल्म वालों से मुराद ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की किताब और जमीन और आसमान में फैली हुई बेशुमार निशानियों पर सोच विचार करते हैं जो रायिन है। अल्ला अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया बेशक इसमें ईमान वालों के लिए एक बड़ी निशानी है कि वो इसमें गौर फिक्र करके सबक लेते रहें आखरदावाना हमदुल्ल रबालमीन सुबहान वमदिका अशहदाल्ल अंत अस्त फिर वतुबालाई असलकूम वरह वक्त الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا